आश्रम नाम के तमिलनाडु में बहुत सारे गांव हैं। ये सब पाप मिटाने वाली जगह है। 31 जनवरी 1975 को पागल दीवाना नाम की फिल्म जब रिलीज हुई थी तब मेरी माँ के पेट में दर्द हुआ और उसे पता भी नहीं चला कि वो प्रसव पीड़ा है। उसने मुझे थिएटर में ही जन्म दे दिया। पगली कहीं की, उसने जो पाप किया वो उसने यही धो दिया। तिरुनेलवेली जिला पाप नाशम, और वो पाप मैं हूँ। मेरा नाम स्वयंभू है। मैं अपने नाम की तरह ही हूँ। इस जमीन पर खुद प्रकट हुआ। जब मैं 4 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं कभी स्कूल नहीं गया। होटल में जूठा बर्तन उठाता था। मैंने जो भी पढ़ाई की वो सिर्फ फिल्मों के बारे में। क्या बोलते हो, सुपर चेजिंग था ना? क्या सुपर था? एक कार चेजिंग मतलब उस अभिनेता के चेहरे को बहुत ज्यादा क्लोज में दिखाएगा तभी उसके चेहरे की घबराहट को देखकर देखने वालों के चेहरे पर घबराहट होगी ना। आप इस पाप नाशम में बैठकर क्या कर रहे हो भाई? अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए ना तो बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। और फिर उसके बाद मेरी दुकान हड़पना चाहता है क्या? कलेक्शन उठाकर बैग में रख, मैं चाय पीकर आता हूँ। ये लीजिए भाई, एक बड़ा एक चाय। ए कालिया। हाँ? अरे डेली का आइटम लेकर आ, जल्दी कर जल्दी। रुक जाइए भाई, मेदू वड़ा और काली चाय ना, लेके आता हूँ। इंडिया सरकार का बलात्कार। ए मेरे भाई। हाँ? लगता है पेपर का नाम खराब कर देगा, तो न्यूज को एक साथ ही पढ़ रहा है। ओ भाई कालिया, ये पेपर उठाकर साइड में रख दे यार। ओ भाई, एक चाय दो। पेपर न्यूज ये सब ओल्ड फैशन है भाई, अभी डिजिटल न्यूज है। हाँ। इसी न्यूज को वो लोग कैसे बोलेंगे पता कैसे? है? पहले पहले वड़ा खा लो भैया। क्या यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे मैं अनपढ़ हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, आपके बारे में इस पूरे गांव को पता है। किस बारे में? वो अपने मेले के रसीद में अपना नाम चुम्बलिंगम लिखा था ना। अकरम भाई। हाँ। हफ्ता वसूली वाले खाकर चले गए क्या? सुबह से 4-5 केस आकर चले गए, शेर अभी तक नहीं आया। अभी तक स्कूल खत्म नहीं हुआ क्या उस परिमल का? ये देखो उनके शिकार आए हैं, परिमल सर के लिए ही वेट कर रहे हैं। शेर से मिलने खुद बकरी आई है। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं मैं, बताऊं क्या? ये पहाड़ के नीचे रहने वाले आदिवासी हैं। हाँ, इनकी एक औलाद है। एक पठान से इन लोगों ने ब्याज पर पैसे लिए हैं बीज लगाने के लिए, और फसल को हाथी नष्ट कर गया। अरे सही बात है, हाथी के रास्ते में अगर तुम लोग खेती बाड़ी करोगे तो वो तो नष्ट करेगा। छोड़ो, इसने लगाया, हाथी खाकर चला गया, ब्याज का मीटर सर पर चढ़ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अभी और बाकी है, इनके बेटे को उठाकर ले गए हैं और कह रहे हैं कि पैसे देकर अपने बेटे को ले जाओ। कौन इनके बेटे को लेकर चला गया? अरे कौन हो सकता है, अपना शेर। इंक्वायरी करने के लिए स्टेशन लेकर गया था और स्टेशन लेकर जाने के बजाय सीधा तेनकाशी लेकर चला गया। एसआई से बात कर लो। एसआई से जाकर बात करो। बोला है किसी को बताया तो बेटा जिंदा नहीं रहेगा। बोलेंगे बोलेंगे, दाहिने हाथ से मारा तो बाएं हाथ को कंप्लेन कर सकते हैं क्या? सब लोग मिले हुए हैं भाई। क्या मतलब, इसके लिए कोर्ट और कानून नहीं है क्या? शैतान के सामने कोर्ट और कानून कोई मायने नहीं रखता। ये बात तो सही है। ब्याज देने वालों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साबित कर देंगे और परिमल कह देगा कि मैंने रशी नहीं किया। क्या गवाह है? गवाह है, अगर ऐसा बोलेंगे तो वो लोग उड़कर आ जाएंगे, फिर ये लोग लापता हो जाएंगे, इसी जगह पर 4 लोग आके बैठ जाएंगे। एबीएस कॉर्पस, व्यक्ति की याचिका। इस दुनिया में नीला जिस कोने में भी होगा उसे कोर्ट में लेकर आना होगा। देव तिरुमगल। क्या एबीएस कॉर्प्स का नाम सुना है क्या? नाम सुनकर लगा मैंने किसी को उधारी दी है। कौन है वो, अपने चार्ल्स का भाई है क्या? अरे भाई, या अल्लाह। व्यक्ति की याचिका नाम है। हाँ। जब कोई आदमी लापता हो जाता है तो कोई भी खून हो सकता है। किसी ने अपहरण कर दिया ऐसा शक हुआ तो
इस याचिका को हम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हाँ। फिर कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगा अच्छा। कि वो जहाँ कहीं भी हो उसको पकड़ कर ले आओ। हाँ। जब हीरोइन लोग गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप दायर करते हैं, वही है ना? सही कहा इसने, भाई जरा इसकी नजर उतारो, इसके हाथ पैर तोड़कर बॉयलर में डाल देता हूं। सही बात है। आप दोनों एक काम करो, सीधा तेनकाशी चले जाओ, वहाँ पर शंकर पांडे नाम का एक आदमी है, वकील है और बहुत अच्छा इंसान, सब कुछ करेगा। एक केस उनको मिल जाए ना तो उनकी आंखों में गंगा जमुना बहने लगती है। कौन सा केस? अरे अरे भाई, अब तक मैं क्या रामायण सुना रहा था? अरे इनका बच्चा गायब हो गया है ना। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? वो क्या है कि हमारा बच्चा गायब है, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, ऐसा हमको शक है। आप ऐसा केस करो कि मेरा बेटा बच्चा। वैसे केस करने की भी जरूरत नहीं, शंकर पांडे ये केस हाथ में ले रहे हैं, अगर एक फोन करके पुलिस स्टेशन में बताओगे ना तो थाना हिल जाएगा। अरे आप लोग इस केस में पुलिस को फंसा सकते हैं। या अल्लाह, ऐसे गरीबों के लिए याचिका है, ये पुलिस वाले लोग खाकर जाते हैं, उसकी उधारी वसूल करने के लिए भी कोई कोर्ट है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो आ गया, शेर आया। आप लोग यहाँ पर मत रहिए, पीछे के रास्ते से चले जाइए। ये पैसा रख लीजिए, ये कालिया संभाल कर लीजिए। जाइए जाइए जाइए। कोई बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पे आए थे क्या? नहीं। क्या रे कालिया, आज का स्पेशल क्या है? स्पेशल इडली, स्पेशल डोसा, स्पेशल चटनी, स्पेशल चूल्हा, स्पेशल कोयला, सब कुछ है। क्या चाहिए? 8 इडली और चटनी लेके आ जा। क्या भाई, अंडा भुर्जी, पराठा, आलू का पराठा, ऐसा कुछ चटपटा डालना चाहिए ना? डालना ही है तो पत्थर उठाकर तेरे सिर पर डालना चाहिए। क्या चाचा, क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ाने से क्या होने वाला है, पुराना उधार अभी भी चट्टान की तरह खड़ा है। क्या बोला? मेरा पुराना हिसाब निकाल के दो, अभी जितना भी होगा ना अभी चुकता कर दूंगा। अभी हिसाब करने की क्या जरूरत है, 4,850। अभी जो इडली ऑर्डर की है ना वो उसमें नहीं है, वो टोपी में जो बिस्किट डाले ना वो उसको मिला कर। अच्छा, पुराना हिसाब कर देता हूँ, फिर कोई समस्या नहीं होगी हमारे बीच। पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके भी चलेगा। अरे ऐसे क्यों डर रहे हो भाई, पूरा मांगो। ए, हमारे बीच का मामला है, तू जरा चुप रहे। सारा हिसाब आज ही सेटल कर देता हूँ, 4,850 ही नहीं, राउंड फिगर 5,000 ले ले, क्या बोलता है? चलो अच्छा, अपने कमीशन में कट कर लूंगा। कैसा कमीशन? हाँ, इलेक्शन कमीशन। हाँ भी ना भाई। ए, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। देखो, इस पुलिस स्टेशन को यहाँ के जमींदार ने करीब 100 साल पहले बनवाया था, अब उसे तोड़कर वो पूरी जो खाली जमीन पड़ी है ना वहां पर एक नया पुलिस स्टेशन बनवाने वाले। तब पता है 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, कड़िया वाले, ड्राइवर, सभी लोग यहीं आकर के चाय कॉफी वगैरह पियेंगे, और उन सब लोगों को मैं ही इधर भेजने वाला हूँ। अगर एक दिन का 1,000 का भी धंधा हुआ ना तो 6 महीने में 2,25,000 का होता है। अब उसमें से 2.5% कमीशन मुझे दे दो, क्या हो चाचा? इसको बोलते हैं पुलिस। भाई के खाते में 18 रुपए। अरे ये कौन है भाई? मेरा कमीशन का पैसा काटकर बाकी का दे दो तो मैं चला जाऊंगा। ए, तेरा कौन सा कमीशन? क्या भाई, आप भूल गए क्या? कल मैंने जो केबल पर पिक्चर लगाई थी वो एकदम बकवास थी, इसीलिए सारे लोग बोर होकर तुम्हारी दुकान में तो आए थे चाय पीने, उसमें से 10% मेरा मजाक उड़ा रहा है, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। पहले जीप तो बंद कर लीजिए। तू और तेरे पाउडर की बदबू, देख लूंगा एक दिन तुझे भी। चोट लगी तो इस मामा ने मुझे बचाया। क्या भाई, फिल्म देखकर कैसे रो रहे हो आप? जा रे भाई बहन, कैसी फिल्म देखकर कोई रोए बिना रह सकता है क्या? छोटे मूंछ वाला हिटलर भी ऐसी फिल्म देखकर रोता था। क्या हिटलर ने भी इस फिल्म को देखा है? चुप। आप तो स्क्रीन पे इस हीरो को देखते ही रोना शुरू कर देते हो भाई, नाक तो साफ करो। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? चोट लगने पर जैसे लोग छटपटाते हैं वैसे ही डांस तुम्हें पसंद है ना? बेवकूफ, पुरानी फिल्मों में जो नाच गाने होते थे ना, फिर से चालू मत हो जाना। आपका मुंह AK-47 है। फोन आ रहा है। कंप्लेन का फोन होगा। तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती है क्या? मैंने गलत क्या बोला है? चल फोन उठा। आप नहीं उठा सकते हो क्या? रानी केबल टीवी नेटवर्क। बहुत शरारती है ये। हाँ
हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है हाँ मैं देख लूंगा ना, बोला। हाँ ठीक है, रखता हूँ। क्या रे बोल रहा है, देख लेता हूँ कौन है? अपना तहसीलदार शंकर प्रसाद। हाँ। उसके घर के सामने का केबल एम्पलीफायर रिपेयर करना है। हमने उन्हें बोला था ना परसों बदल कर देंगे, स्पेयर पार्ट्स मिलने चाहिए ना। अरे वो बहुत बूढ़ा है, उठकर चल भी नहीं सकता। हाँ। रात में हम लोग जो बोल्ड पिक्चर लगाते हैं ना, उसे देखकर उसका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहता है, इसीलिए वो तड़प रहा है भाई। उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती है क्या? आप भी कमाल करते हो भाई, उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता। हाँ। पता सुबह आकर वो मुझसे क्या बोली? बोलती है मेरा पति इतना अच्छा है, रात भर योगा आसन वाली फिल्में देखता है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बुजुर्ग के बारे में ऐसी बात, बिल्कुल पागल है। तो चल जा। आप घर नहीं जा रहे हो क्या? मैं चला जाऊंगा, तू जा। ठीक है मैं जाता हूँ। राज्य में बारिश ना होने की वजह से किसानों का बहुत ही बुरा हाल है। आइए देखते हैं मंत्री जी का इस पर क्या कहना है। तेरी माँ कहाँ है? पीछे होगी पापा। हाँ, पढ़ाई चल रही है, परीक्षा है क्या? हाँ पापा, साइंस टेस्ट है। हाँ, ठीक से गणित लिखना। पापा साइंस है पापा। गणित साइंस में नहीं आता क्या? क्या पापा? उधर गर्मा गर्म पढ़ाई हो रही है और इधर गर्मा गर्म इडली बन रही है। जाओ जाकर नहा लो। अरे इस तरह बाहर का दरवाजा खुला रखते हैं क्या? कोई चोर आ गया तो क्या करोगे तुम लोग? अच्छा, दिन में कोई चोर आता है क्या? जाओ। इस जमाने के चोरों के बारे में तुम नहीं जानती हो, एक फिल्म में इसी तरह का सीन था। उसका पति होगा, आपको भाषा समझ में नहीं आती ना, इसलिए चोर समझ लिया। सारी भाषा की फिल्में देख ली है, बाहर की कोई भाषा रह गई हो तो उसे भी देख लो। अब सिनेमा खुद एक भाषा है, उसके लिए किसी और भाषा की क्या जरूरत? आंखों की भाषा की तरह है। यहाँ देखो, ये तुमसे कुछ बोलना चाहती है, समझी? क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा रोमियो समझते हैं क्या? तुम्हारे लिए तो मैं ही रोमियो हूँ, और कौन हो सकता है? जाकर ना कर आइए ना, इस वक्त रोमांस कर रहे हैं। जाओ ना लो। जाओ ना, ना लो। वहाँ बेटी साइंस पढ़ रही है और ये मुझे केमिस्ट्री पढ़ने नहीं दे रही है। अरे जा रहा हूँ। अरे लाइट ऑन करो। आप बालों को ऐसा आगे क्यों घुमा रहे हैं पापा? ये ओल्ड फैशन है, क्रेन के हुक की तरह। hey, तुझे पता नहीं मैं ऐसे 30 साल से गोल बना रहा हूँ, ये शिवाजी का स्टाइल है। वो खुद ऐसे नहीं रखते। अरे उनकी मौत हो चुकी है, जब जिंदा थे तब गोल बनाते थे। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। पापा पापा, इतनी पाउडर क्यों लगा रहे हैं आप? अरे रे, पूरी गर्दन से पसीना बह रहा है। ये लड़कियों वाला पाउडर लगाना, रोमांटिक किताबें पढ़ना, सिगरेट के कवर के पीछे अपना हिसाब किताब लिखना, पीले कवर की थैली में पैसे रखना, ये सब कभी नहीं बदलने वाला। अरे मैं डेली 4 जगह वसूली के लिए जाता हूँ, पाउडर नहीं लगाऊंगा तो बदबू आएगी। तो सेंट मारना चाहिए ना। अरे ये तो बदबू से बदबू मिटाने की बात कर रही है, मैं लाइट ऑफ करना भूल गया। hey, अंजल, अरे कहाँ गई मेरी प्यारी बेटी? अब तक उसका मेकअप पूरा नहीं हुआ है। गोरा होने वाली क्रीम को निचोड़ निचोड़ कर लगा रही है, उसके बाद घंटों आईने के सामने ही खड़ी रहती है, यही काम है उसका। अब लगता है इसके लिए लंदन से लड़का लाना होगा। पापा। इस तरफ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुना तुमने, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा है। मेरी प्यारी बच्ची। क्यों रे, हो गया तुम दोनों का प्यार? चलो बैठ कर खाना खाओ। रोज स्कूल के लिए लेट हो जाती है। कल मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की थी, एक भी बार फोन नहीं लगा आपका। पता है ना, जब बारिश होती है तो लाइन नहीं मिलती है। आपको सेलफोन लेना चाहिए पापा। सेलफोन को लाइन मिल जाएगी क्या?
इतने बड़े फोन को लाइन नहीं मिलती है तो छोटे फोन को कैसे मिलेगी? ये सब काम आसान हो जाए ना, इसलिए हमने एक सेलफोन देख कर रखा। यस यस, सेकंड हैंड ही ना। इस घर में सिर्फ मैं और बच्चे ही तो फर्स्ट हैंड है। हम तीनों घर में पूरा दिन अकेले रहते हैं, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ऑफिस में बैठकर कौन सी अनाप शनाप फिल्में देखते रहते हैं पूरा दिन। सुनो सुनो सुनो, मेरी माँ, ठीक है मैं हथियार नीचे डाल देता हूँ, बिना शर्त के मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, अब खुश? हाँ ठीक है। ठीक है जानू, रात में तुमने फोन क्यों किया था? बस तेनकाशी जाना चाहते हैं। क्या कहा, तेनकाशी? ऐ तू हंस मत, वहाँ क्यों जाना है? 6 महीने पहले कपड़े खरीदते वक्त क्या कहा था आपने? अगली बार अच्छी कंपनी के कपड़े दिलवाऊंगा, और अभी क्या कर रहे हैं, ही करके हंस रहे हैं। तुम लोग उसे रगड़। तेनकाशी के पीसी थिएटर में एसी में बैठकर एक फिल्म देखनी है पापा। पापा आइसक्रीम पॉपकॉर्न सुपर। 5,000 का चूना लगा दिया ना तुम लोगों ने। अरे ऐसे मामले में तुम सब एक कैसे हो जाते हो? जो औरतें घर में काम करती है ना, उनकी भी हजारों ख्वाहिशें होती है, और एक हम है घर में ही पड़ी रहती है। खुद तो सुबह खुशी से निकल जाते हैं। अगर मैं खुशी से घूमने ना जाऊं तो तुम लोग खुशी से ये इडली दबा के नहीं खा सकते? आप हमें लेकर जाएंगे या नहीं ये बताइए बस। अरे अब सब लोग मिलकर गड्ढा खोद दिया ना। अब यहाँ गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में जो चीजें बची है ना, वो इस गड्ढे में डाल देंगे तो वो खाद बन जाएगा, कंपोस्ट, कंपोस्ट। लेकिन आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन किसी को पैसे देंगे तो वो कर देगा। अरे 100 रुपए में कौन आएगा? 300 से नीचे कोई फावड़े को हाथ तक नहीं लगाएगा। तैयार खाद लेकर डाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोग जो होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं। आओ ये देख रही हो जोंक। अब इस जोंक के बारे में तुम क्या जानती हो? तो क्या चाहते हो तुम? मैं क्या दिन रात तुम्हारी तरह इसी के बारे में सोचती रहूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? ये जोंक क्या होता है पता है? किसानों का दोस्त होता है। बचपन में जब मैं मछली पकड़ने जाता था ना तो जोंक लेकर जाता था, सिर्फ 1 फीट खोदने से कीड़ों का ढेर लग जाता था। बताओ अब वो कहाँ है? अब किसानों पर कौन ध्यान देता है? कीड़ा क्या पूरा देश खत्म होते जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सिर्फ बर्गर खाना, चीज बर्गर। ठीक से अखबार तो पढ़ नहीं सकते और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर कुदरत का दिया दिमाग हो ना तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसपास में जो भी चल रहा है अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो। हेलो, वो किसानों वाली फिल्में ना मैंने भी बहुत देखी हैं। तुम कभी भी? ओह मैंने केबल पर लगाया था। ठीक है, हम जो सोचते हैं वही सिनेमा वाले भी सोचते हैं, उसके लिए हम उन पर केस थोड़े कर सकते हैं। बस देखो और खुश हो जाओ। मजदूर को पैसे न देने पड़े इसलिए खुद ने फावड़ा उठा लिया है और अब मुझे प्रवचन दे रहे हैं। हाँ सही कहा, मैं प्रवचन दूंगा और उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर प्रवचन करूंगा। मैं सिर्फ 4थी तक पढ़ा हूँ, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, और ना ही कोई रिश्तेदार है। ये जो कुछ भी तुम देख रही हो ना, इसे मैंने अकेले पैसे जोड़ जोड़ कर बनाए हैं। ये बगीचा, ये घर, वो जीप, उस जीप के अंदर जो नई बैटरी है ना वो भी मैंने खरीदी है। अगर इस गाँव में किसी को भी प्रवचन देने का हक है ना तो वो मैं ही हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ और तुम जा रही हो। नहीं तो क्या, अब इसमें नया सुनने जैसा क्या है? इतने सालों में एक भी डायलॉग चेंज नहीं हुआ आपका। ऐसा है क्या? बहुत सारे काम करने मुझे। ठीक है मैं कुछ और बोलता हूँ, सुनकर तो जाओ। शेर प्रवचन करो। शेर प्रवचन? थोड़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई। क्या हो रहा है वहाँ, कोई लाश है क्या? नहीं भाई, यहाँ पर नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है। जल्दी यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ, ठंडी हवा खाने के लिए तो लॉकअप में सोएगा क्या? तुझे क्या लगता है वहाँ तुझे चैन की नींद आएगी? क्यों हंस क्यों रहा है? तुझे कलेक्शन के लिए भेजा था ना? मैं तो कलेक्शन के लिए ही गया था भाई, लेकिन वो जो आदमी खड़ा है ना। कौन, वो टोपी वाला? नहीं नहीं, वो टाई वाला, वो इंजीनियर है भाई। क्या मस्त माप ले रहा है ना। हाँ हाँ, तू ऐसे मुंह खोल के देख रहा है, अगर इस तरह मुंह खोल कर देखने के बजाय पढ़ता ना तो तू भी इंजीनियर बनकर टाई पहनकर काम कर रहा होता। अच्छी बात है, मैं तो 10वीं तक पढ़ा हूँ, आप कितनी क्लास पढ़े हो? अरे मेरा नाम तो अनपढ़ टेबल है भाई। हाँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे तुझे तो पता है ना मैं अनपढ़ हूँ और ऑफिस में टेबल है, उसका मालिक मैं, तो क्या हुआ अनपढ़ टेबल, समझ में आया? कसाई की दुकान में बकरे का तमाशा देख रहा है, जाकर अपना काम कर। अरे भाई
आइए साहब, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, दो चाय देना। दो चाय दे। अरे भाई, इनका नाम मणिशंकर है, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनका नाम स्वयंभू है, तमाम काम करते हैं, केबल टीवी, चिट फंड, लैंड ब्रोकर, कमाल के आदमी। अच्छी बात है ना भाई, एक काम नहीं तो दूसरा तो रहता ही होगा। वो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो बिल्डिंग इनका ही है। अरे आप चुप रहो भाई, नीचे जो दुकान है वो अपनी ही है। मतलब आपको भी बड़ा आदमी बोल सकते हैं। भाई भी दिखने में कुछ कम नहीं लग रहे हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मारवाड़ी की दुकान से उठा कर ले जाइएगा। अरे भाई साहब नकली है। ओ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब कॉन्ट्रैक्टर है तो ये सब तो दिखाना ही पड़ता है। काम ही ऐसा है, सिविल वर्क मैं करता हूँ, मैन कॉन्ट्रैक्टर कोई और है। ये रख लीजिए, एमएलए साहब का साला। आप रख लीजिए, नहीं चाहिए। मांस तो वो लोग खाते हैं और हमें मिलती है हड्डी। हाँ। बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी। अरे भाई, भाभी बोल रही है कि आप रात में खाना खाओगे या उसमें पानी डाल दूं। है चुप कर भाई, परिवार नियंत्रण का नया तरीका ढूंढ लिया क्या आपने? अरे हमारे भाई के लिए सिनेमा है ना, बंद कर। ये क्या बोल रहे हैं? अरे फिल्मों के बहुत बड़े दीवाने हैं, एक ही रात में तीन तीन फिल्में देख लेते हैं। बोल रहे हैं, दो ही देखता हूँ एक रात में, दो फिल्म देखते हैं। हाँ, जब ये चला जाता है तो रात को मैं अकेला रहता हूँ, केबल कट हो जाता है ना तो पब्लिक बहुत चिल्लाती है, और फिर कलेक्शन के लिए जाता हूँ तो पैसे नहीं देते। रात को टीवी में देखते क्या है? अरे आप ये क्या पूछ रहे हो, वो लड़कियां जिस टीवी पर मॉडलिंग करती है ना, वो फेमस है और उसमें हर लड़की का नाम यहाँ सबको पता है। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ। बाहर के लोगों के सामने क्यों बेइज्जत कर रहे हो? ये सबको बताना चाहिए क्या, वरना ये हमें गवार समझेंगे। अगर बताएंगे तो ये लोग यकीन कर लेंगे क्या? लगता है भाई को सब कुछ समझ में आ गया। ये सब कुछ समझ में आ गया, ये लड्डू है, ये चकली है, आप क्या खाओगे? मुझे यहाँ से चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वाह क्या बात है, आप अकलमंद हैं, मैं बचपन से इस लड्डू को देख रहा हूँ। ए तू चल, ए मेरे धंधे की वाट लगा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। है सुन, क्या हुआ भाई? सर में बहुत दर्द है, घर जाकर आराम करता हूं। हाँ, खाने पे तो पानी डाल दिया होगा। सर दर्द में वैसा खाना अच्छा होता है। भाई वो गाना खत्म हो गया क्या? अब एक नंबर का मुसीबत है ये। मैंने तो चावल में पानी डाल दिया। मैं क्या खाना खाने आया हूं? आज क्या सीन था, नहाने का सीन था या बेडरूम वाला सीन? रेप सीन। हाँ। चलो चलो। अरे बच्चे जाग जाएंगे ना। खुशबू अच्छी है ना? क्या अभी इस उम्र में? इस उम्र में नहीं तो फिर किस उम्र में? जवानों में जवान हूँ। हाँ यही बोल रहे हैं सभी लोग। क्या बोल रहे हैं? स्वीट 16 क्या? हम यही तो कह रहे हैं सभी लोग। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। तुम्हें लड़का चाहिए, यही ना? क्या तुम्हारे जैसे घर में दो हैं, अब तुम्हें एक मेरे जैसा चाहिए, सही कहा ना? एक ये है ना इस घर में, यही काफी है। इच्छा नहीं है क्या? इच्छा है, लेकिन वो बात नहीं करनी थी मुझे। फिर सुनिए ना, अपनी जीप है ना, वो जीप, अरे उसमें दरवाजा भी नहीं है। अरे ये जगह बहुत अच्छी है। छी, वो मैं नहीं कह रही हूँ, उस जीप को बेचकर नया कार खरीदते हैं, दरवाजों वाली। इतनी देर से तुम यही बोलना चाहती थी क्या? क्या हो, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग क्या ये सारी बातें ऊपर से ही सीख कर आती हो? एक मासूम इंसान से ऐसे वक्त में ये सब मांगते हैं क्या? आपको कब मुझसे बात करने का वक्त मिला है? अरे अगर ऐसे उकसा कर मांगोगी तो मैं जोश में आकर तुम्हें हाँ बोल दूंगा क्या? उसके लिए तुम किसी और को देखो। क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। ऐसे वक्त पर मांगोगी तो भी मैं राजी नहीं होऊंगा। अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छी तरह पता है, मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर लूंगा। मेरा नाम स्वयंभू है, ये याद रखना।
कार सेकेंड हैंड चलेगी क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट हैंड नई कार खरीदते हैं। अरे पापा, आपका भाई रात में माने कहा था कि आप नहीं आएंगे। हाँ, आने के लिए मजबूर हो गया। क्यों? था कल रात को। मैं बताती हूँ, हम कार खरीदने वाले हैं, दरवाजों वाली। हाँ, कार तो वो बुक करने के लिए ठीक है पापा। सुपर पापा। मारुति नहीं पापा, सामान के डिब्बे जैसे लगेगा। हम लोग ऑडी खरीदते हैं। ठीक है, ऑडी ऑफर आने दो, फिर हम खरीद लेंगे। ऑडी कार है, चलती है तो आवाज भी नहीं आती। ऐसा क्या, रोड के आदमी को सुनाई नहीं देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके लिए हॉर्न है ना पापा। अच्छा, उस गाड़ी की कीमत मारुति से कम है क्या पापा? वो 50 लाख की है। 50 लाख? काशी विश्वनाथ रथ की भी इतनी कीमत नहीं होगी। इसीलिए कहती हूँ कभी कभी ना अखबार भी पढ़ लिया करो। हाँ सही है, अखबार पढ़ने से हमें बॉडी की कीमत पता चलेगी क्या? बॉडी नहीं, ऑडी। कुछ भी हो, हमारे लिए मारुति काफी है। पापा हम लोग कब खरीदने वाले हैं? खरीद लेंगे बहुत जल्दी। Can't wait, पा। क्या है? अभी तुम दोनों को उस कार में बैठकर स्कूल जाना है क्या? चुपचाप खाना खाओ। हाँ माँ, मैंने उस नेचर क्लब के बारे में बताया था ना। उस सब की हमें क्या जरूरत है, स्कूल में पढ़ने ही जाती हो ना। पापा देखो ना पापा। क्या है वो? पापा हमारे स्कूल में नेचर क्लब है। उस क्लब की तरफ से हमें ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। वहाँ जाकर पेड़ पौधे एनिमल्स सब कुछ नोट करके आएंगे। हमारे स्कूल में मुझे और एक लड़की को सिलेक्ट किया गया है। हाँ तुम तो बहुत बड़ी सिटी में रहती हो ना, पहले यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में नोट्स बनाओ। पापा रानी एक बात समझ लो। क्या? शिक्षा सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं होता है। हमारे आसपास के पेड़ पौधों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो भला देश को कैसे समझेंगे? ठीक है, देश के बारे में समझना है ना, पहले इसकी फीस के बारे में समझ लीजिए। कितना? 1800 रुपए। 1800? क्या पापा? ठीक है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम मुफ्त में जान सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि फिर उसे पढ़कर क्या फायदा? पापा ये बहुत ओवर हो रहा है। हाँ पापा। ऐसा है क्या? अच्छा बताओ कितने दिनों का कैंप है? 2 दिनों का। एक दिन के लिए जाओगे तो कुछ डिस्काउंट है, कोई ऑफर? हाँ ठीक है, मैं किसी ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। खाना खा लो, खाना इसे खाओ। वो सब खा लिया है मैंने। कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तेरे पापा बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? पापा दे रहे हैं ना, अब तू जा स्कूल। मैंने कब बोला दे रहा हूँ? हाँ कह दिया, बस हो गया। बाय पापा, मैं जा रही हूँ। बाय। आज के बाद जरा संभल कर रहना होगा। मतलब तुम मना कर रही हो क्या? आप भी ना। अब क्या है ये सब, बच्चों के सामने ऐसी बातें रात में, ये और वो सब है? अरे वो छोटे बच्चे हैं। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन बच्चों को सारी बातें समझ में आती हैं। मुझे इनकी उम्र में कुछ पता नहीं चलता था। अभी भी आपको पता चलता है क्या? नहीं पता है। अरे इसकी क्या जरूरत है, वहाँ पहले से 4-5 पड़े हुए हैं। अरे अभी बच्चे आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। गीले कपड़े से इसे ढक देंगे तो इसकी आवाज नहीं आएगी, चुपचाप रहेगी। ब्रोकर स्वामी को यहाँ मैंने बुलाया है, आप गुरुवार को आएंगे तो सारी बातें कर लेते हैं। किसके लिए? घर पुराना हो चुका है, अब इसकी क्या जरूरत है। इस घर को सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर आधा पैसा बेटी और बेटे के नाम पर जमा कर दूं। ये सब क्या जरूरत है पापा? तंगराज ने कुछ मांगा है क्या? उसकी हिम्मत है क्या ऐसा कहने के लिए? फिर बेच क्यों रहे हैं? दामाद जी, जब रानी की शादी आपसे हुई थी जैसी स्थिति उस समय थी आज भी है, कर्जे से अभी तक उबर नहीं पाया।
हाँ पापा, मैं एक व्यापारी हूँ। किसी भी अच्छी चीज को पैसे देकर खरीदना चाहिए, पैसे भी पास में हो और चीज भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अनाथ था, आपके घर पर मजदूरी करता लेकिन था। नहीं, पापा पहले आप मेरी बात सुनिए। आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही आज मैं चार लोगों के सामने इज्जत से जी रहा हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपका कर्जदार नहीं, 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 मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूरी बात सुनिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा। मुर्गी दीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना माँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना और पहुंचते ही फोन करना। ठीक है माँ, जाओ जाकर गाड़ी में बैठ। बेटा इन्हें देखो, आ गए राज्य के भविष्य। हाँ, इसे पकड़। हाय। क्या जीजा, आप कब आए? अभी आया। लगता है कुछ दुबले हो गए। नहीं तो, पापा का पेट तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये नादान बच्ची है, तू इधर देख। वैसे पार्टी का काम कैसा चल रहा है? 2024 में अपनी सरकार होगी जीजा, कंफर्म। किसने कंफर्म किया? ज्योतिष ने, मशहूर ज्योतिष है, कोचुनी। नाम ही कुछ अलग लग रहा है। ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। पापा वो बहुत पहुंचे हुए हैं, एक बार मिलिएगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा। ये हाथ में क्या है? रसीद की बुक है। अच्छा तो हम लोग निकलते हैं। अरे रे 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 रे, मैं पैसे लेकर नहीं आया। जी दीदी ऐसे ही मजाक कर रही है। हाँ? मैं आपके सामने रसीद दिखाऊंगा क्या? आपके बारे में पूरा गांव जानता है। क्या जानता है? नारियल चिनवाली पार्टी को पूरे 5 रुपए डोनेशन दिए थे आपने, ये बात पूरे तेनकाशी को पता है। वो कुफा के पास काम धंधा नहीं है, कुछ भी बोलते रहते। अच्छा ये सच में रसीद नहीं है? प्रचार के लिए जीजा जी, डरिए मत। लड़ेंगे लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, उम्मीद के साथ लड़ेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार खदानों में मजदूरों के साथ काम करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबको समझ गया, इसमें सारी बातें लिखी है। अच्छा वो जो खदान वाला है तेरी पार्टी का है ना? वो पहले था, अभी पार्टी बदल दिया है। तो फिर अब बहुत जल्द हम उस खदान को बंद करवा देंगे। hey, वो बाल बच्चे वाला है। ये बात उसको पार्टी बदलने के पहले सोचनी चाहिए थी। फिर उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे? जीजा जी खदान में एक बहुत बड़ा कुआं है। हाँ, उसमें उन्हें डूबने के लिए बोलेगा। ये उनकी मर्जी है, हम उस कुएं में मछली पाल सकते हैं। आजकल मछली कीमत क्या पता है ना? इसका कुछ नहीं होने वाला, हम लोग निकलते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलते हैं नानी, हम जाते हैं आराम से। बस। हाय। क्या हुआ? सदगुरु। क्या हुआ उनको? स्वामी भरतनंद तेनकाशी आ रहे हैं। कितनी बार आपसे कहा है कि तिरुनवेली जाकर उनसे मिलकर आते हैं, अभी वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जाकर उनसे मिलते हैं ना। किस लिए? लिखा है वहाँ वो बहुत बड़ा हवन करने वाले हैं। पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना को सुनेंगे तो परिवार को सुख और शांति। ये सब बोल के मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे यहाँ मेरे पास बहुत काम है। ये सारे बहाने कहाँ से? अरे बेटी शिल्पा यहाँ आओ। क्या पापा? मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कहीं घुमाने के लिए लेकर जाओ, भगवान पर विश्वास नहीं करते। 1800 रुपए लेकर गई थी, क्या क्या देखकर आई? चूहा। चूहा? इतना बड़ा चूहा पापा, जंगल में ऐसे भाग रहा था। मैं और प्रिया चिल्लाने लगी। मैं रैट करके चिल्ला रही थी और वो माउस कहकर। हाँ वो कंप्यूटर पढ़ रही है ना, तो सामने आ, गर्दन में दर्द हो रहा है। अरे बेटी हमारे यहाँ चूहे डांडिया खेल रहे हैं और तू उन्हें देखने के लिए पैसे खर्च करके गई। सिर्फ इतना ही नहीं पापा, सुबह सुबह नेचर वॉच और नाइट में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी था। मैंने भी एक गाना गाया पापा, सबने तालियां बजाई। मतलब तुम तो स्टार बन गई ना? नहीं नहीं, टीवी में अंताक्षरी प्रोग्राम में सेकंड प्राइज जिसको मिला था ना, ये तू हट ना यार। सेकंड प्राइज वाली कार्तिका का वो सुपर गाना वो मैंने गाया था, सबको बहुत सब पसंद तो आया। तू इसे तोड़ मत देना, खड़ी होकर बात कर। ठीक है ठीक है। और फिर एक जज का लड़का, उसने बहुत अच्छा मैजिक किया। फिर एक आईजी का बेटा था, बिल्कुल थक था। थक मतलब? मतलब लफंगा था, जब भी देखो लड़कियों के पीछे जाकर फोटो खींच रहा था। कौन? फोटो? तेरा खींचा क्या? तुम हो? अरे वहाँ से छुप कर क्यों सुन रही हो? आप जरा छुप रही है। सेलफोन से खींचा क्या? हाँ माँ। इधर आ। ये तो फंस गए। हाँ ना। अब वो इसे छोड़ेगी नहीं। कपड़ों की भी फोटो खींच सकते हैं क्या? क्या माँ, कुछ भी बकती रहती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होता है माँ, देखिए ना पापा। देखिए। अरे देख तो रहा हूं मैं, तू तो अच्छी तरह जानती है कि किसी भी बात को आधा अधूरा समझना ही इसकी अकलमंदी है। हाँ, मैं तो 10वीं पास हूँ और आपने तो कलेक्टर की पढ़ाई की है ना, जब देखो मुझे बच्चों के सामने नीचा दिखाते रहते हैं। hey! hey, 10वीं, hey, थग! hey, पता है तुम्हें थक का मतलब क्या होता है? थक का मतलब आवारा होता है ना। ओहो, आप भी ना पापा। hey, आवारा ही है ना। तो थग मतलब आप। अरे बदमाश। मतलब मैं हूँ। हाँ।
बेसमेंट सही नहीं है भाई, इसलिए पानी अपने आप ऊपर आ रहा है। थोड़ा ऊंचा करके बनाना पड़ेगा। पहाड़ देख रहे हो, इसलिए बारिश ज्यादा होती है। ठीक करने के लिए सोच तो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, यहाँ टाइम नहीं दे सकता। मैं काम करके देता हूँ ना भाई, उस काम के साथ साथ ये काम भी कर देता हूँ। अपने पुलिस स्टेशन के फ्लोरिंग का काम सोमवार से शुरू होने वाला है, उसके खत्म होते ही से कर दूंगा। सही है, करके दे दोगे तो तुम्हें सीमेंट रखने के लिए गोदाम मिल जाएगा और इसके अंदर पानी भी नहीं घुसेगा। हाँ भाई, तीन कश्ती से गाड़ी आ रही है, सामान उसमें लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, देख लीजिए चलकर एक एक कप चाय पीते हैं। बंद करने का। कॉन्ट्रैक्टर सर, सर आप मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में छोटी छोटी गलतियां हो गई होंगी। मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। मुझे जो आपको पैसा देना है ना, आप चाहे तो उसमें डबल ब्याज लगा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे जो मुफ्त में लेकर खाता हूँ वो वापस तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मरने के बाद आत्मा तो भटकती रहेगी ना हमेशा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए, तो अपने आप को समझता क्या है? एसआई को बोलेगा क्या उखाड़ेगा वो मेरा? साहब जी जो भी हो शांति से बात कीजिए। दूसरे के कहे पे अगर नाचेगा ना तो नाचने के लिए पैर नहीं बचेंगे तेरे। चूहे को गहराई के बारे में मत बताना, समझ गया? अरे ठीक है ठीक है, ये खुद को ही चूहा मान रहे हैं, तुमने सुना नहीं? ये तो अच्छी बात है। ए, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों घुस रहा है? आप बात कीजिए। सुन ले सोने की दुकान, भगवान की सारी दक्षिणा परिमल के लिए है। उधर क्या अबे उधर क्या देख रहा है? ऐसा ही मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तू संभल के रहना। हाँ भाई, सुरेश सर अच्छे इंसान है, ऐसा ही भले पारिवारिक आदमी है, इनकी तरह से छीन कर नहीं खाते हैं। हाँ सही कहा, मैं छीन कर ही खाता हूँ, तुझे क्यों खुजली हो रही है? मिटाओ क्या मिटाओ तेरी खुजली। गुस्सा मत कीजिए सर, तुम दूर रहो। अरे भाई अभी इन्होंने क्या बोला, इन्हें तो अपनी खुजली मिटानी है, हम सबको पता है पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही सरा रहे, मेरे पास बहुत पैसे है ना, इसीलिए इतना उछल रहा है। इंतजार कर, तुझे भी देख लूंगा एक दिन। किसी दिन टाइम निकाल कर देख लेना, मैं इधर ही हूँ। सॉरी सर। एकदम शांति से जा रहा है, कुछ बोला नहीं, बहरा हो गया है क्या? भाई दे दे के थक गया हूँ भाई, वो मेरा पैसा है, अपने ऊपर वालों को क्या हिसाब दूंगा, इसीलिए मैंने एसआई साहब को बोल दिया। अरे छोड़ो भाई, उस चोर की बातें सुनकर तुम ज्यादा परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी हो लेकिन वो पुलिस वाला है भाई। लेकिन ये उस बेईमान को पता नहीं ना, पुलिस को देखकर हम क्यों डरे, हम क्रिमिनल है क्या? जो ईमानदार होता है वो सिर्फ भगवान से डरता है। हमने आज तक ना तो कोई गलती की और ना आगे करेंगे। हाँ प्लीज प्लीज दीदी। मीना मीना कटी। हाय वरुण, हम नेचर कैंप में मिले थे। हाँ गॉगल की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं सच कहूँ तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। माँ माँ भूख लगी है माँ। रुक जा बेटी, दो मिनट रुक जा। क्या माँ जल्दी करिए ना। दो मिनट नहीं रुक सकती क्या माँ? कहाँ गया सामान? दीदी लेकर आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। इसे जल्दबाजी मत कर बेटा। अरे रुक तो, सामान निकाल तो दे। ये ले। ए, दीदी कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई, पीछे से आ रही थी ऐसा कहा ना? महेश मामा के घर तक हम लोग साथ ही आए थे, फिर मैं भागकर अंदर आ गई, मारेगी कह रही थी, बढ़िया ही मारने वाली। ठीक है जा, तू जल्दी जाकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। शिल्पा माँ, शिल्पा माँ, बाजार से लाया हुआ सारा सामान तो रूम में है। शिल्पा शिल्पा, उसे कैसे सुनाई देगा माँ, कान में हेडफोन्स लगाए होंगे ना। शिल्पा क्या है माँ? अंदर क्या कर रही है तू? अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गई थी, बेफिक्र होकर गाना सुनती रहती है। ए, डरने की जरूरत नहीं है, इसे कोई और नहीं देखने वाला है, प्रॉमिस मैं तेरे सामने डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना?
लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब तू मेरा कहना मानेगी। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में बात करनी है। रात को 11 बजे तेरे घर के पीछे जो बगीचा है मैं वहां पर मिलने आऊंगा। किसी को भी बिना बताए चुपचाप चली आना। नहीं वरुण, मैं नहीं आऊंगी। अरे ये क्या, तू भी बच्चों की तरह रो रही है। मैं तुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। अगर मैं चाहता तो इंटरनेट पे डाल देता, दोस्तों को दिखा देता, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ। मैं नहीं आऊंगी प्लीज, मैं नहीं आऊंगी प्लीज। ये इंटरनेट पे वायरल हो गया ना तो तेरी लाइफ का क्या होगा? तेरा बाप सर नहीं उठा पाएगा, समझी? फिर उसके बाद मुझे दोष मत देना। ए, देख तू डर मत, मुझे मालूम है कि तू पक्का आएगी। तू आएगी ना, देख मैं तेरा वहां पे इंतजार करूंगा। प्लीज प्लीज वरुण प्लीज। तो फिर फिक्स रहा, रात के 11 बजे तेरे घर के पीछे चलता हूं मैं। बाय। इतनी जल्दी सो गई, पढ़ाई नहीं की? सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? हर वक्त कान में एयरफोन लगाकर तेज आवाज में गाना सुनती रहती है। कितनी बार मना किया है पर सुनती ही नहीं। कोई दवाई दूं क्या? नहीं माँ, सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो जा। खाली पेट नहीं सोना चाहिए बेटी, कुछ तो खा लेना, दाल चावल ही सही। 8 भी बज गए हैं। ठीक है। बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइट जाने वाली है। ए, तू अपना मुंह धो रहे बारिश के पानी से? जब भी देखो बेवकूफों जैसी बातें करता है। छतरी कहाँ है? अरे वो नहीं है। ठीक है तो उसे लेकर तू घर निकल जा। गलती की है तूने, तू ना एक नंबर की बेवकूफ है। अब तू देखना। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसे हो। हमने बड़े प्यार से हमारा छोटा सा घर बनाया है। तुम इसे इस तरह से बर्बाद मत करो। घर आबाद होगा या फिर बर्बाद, ये तुम्हारे हाथों में है। जरा ये वीडियो देखो। अगर चुपचाप मान जाती तो मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ये वीडियो वायरल होगा, पूरी दुनिया इसे देखेगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना बेटा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो मांगा है मुझे वो चाहिए। तेरी बेटी एक रात के लिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खाल उधेड़ दूंगी, बदतमीज कहीं के। तो ठीक है, सारी दुनिया को ये बदतमीजी देखने दो। बोलो कर दो वायरल। बेटा
पैर पड़ती हूँ बेटा, मेहरबानी करके हमें माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना, छोड़ दो हमें। ऐसा कुछ मत करो, छोड़ दो हमें। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तू चाहिए। छी, क्या है? कौन बेवकूफ कीचड़ का पैर लेकर अंदर आया है? हे, रानी, हे रानी। पापा, 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 अरे, अरे, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? पापा पूछ रहे, बताओ। लेकिन उसके बदले मुझे तू चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं इसे डिलीट कर दूंगा। बहुत ही क्लियर वीडियो है ये, अपलोड करूं कि नहीं जल्दी बता मुझे। Yeah.
पता नहीं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। दफनाते वक्त मेरे अंदर हिम्मत कहां से आई पता नहीं। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अब और हम कर भी क्या सकते थे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर पुलिस को बता देती तो अच्छा रहता ना। क्या जो मरा है वो आईजी का बेटा है, अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारे लिए हमारी बेटी की जिंदगी जरूरी है। हे भगवान, मुझसे टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है मर जाऊंगी। अच्छी, देखो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी बात सुनो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम पर मुसीबत नहीं आ सकती है। पापा, पापा, पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा ये उस रूम से मिली है। पापा, पापा ये क्या है? कार की चाबी है। वो एक पीले कलर की कार थी पापा। उसकी कार यहीं आसपास कहीं होगी, कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? अब उस रूम में और भी कुछ है क्या? कुछ भी, चला जा। माँ को भी साथ लेकर आ। मामा, माँ, चलो माँ, माँ चलो, जल्दी जल्दी चलो। तुम कहाँ खड़ी थी और वो लड़का कहाँ गिरा, ये सब ठीक से याद करके बताओ। मैं वहाँ पर। तुम वहाँ खड़ी थी क्या? वो लड़का वहाँ गिरा था क्या? यहाँ पर मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या देख रहे हो? अरे सर पे मारा था लेकिन यहाँ खून की एक बूंद भी नहीं है। हाँ? लगता है उसे अंदरूनी चोट लगी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, ये भी हमारे अच्छे के लिए है, क्योंकि खून को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। उसका कपड़ा, धागा, फीता, सर के बाल कुछ भी नहीं रहने चाहिए। ए, 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 उस प्लास्टिक की थैली को उठा, ये सब उठाकर उसमें डाल दे। उस लड़के की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छी तरह साफ करना है। इधर इधर, वहां वहां देखो, वहां वो भी। पापा ए, 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 रुक जा। वो दूसरा सेलफोन की जगह पे डीएक्टिवेट हुआ। वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी ना, वहां से 4 किलोमीटर साउथ दिशा में। आजकल पुलिस सेलफोन के जरिए अकाउंट को पकड़ती है, सेलफोन ऑन रखेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई भी अभी एमपी दिल्ली ट्राई मत करो, मेरे सारे फोन टेप हो रहे हैं। एक सिम एक राउटर में कनेक्ट हो जाएगा तो हम उसे पकड़ सकते। ठीक है। ये सब एसटीडी बूथ से हो रहा था, कैसे आप मुझे बताइए? सेलफोन के जरिए पुलिस एक्यूज को पकड़ लेती है, अगर हमने फोन ऑन किया तो हम पकड़े जाएंगे। उसके फोन के सिग्नल से पता चलता है कि शहर से 8 किलोमीटर दूर उसके फोन की लोकेशन लोकेट हुई है। यह कह रहा सर, साइबर क्राइम केसेस को ट्रैक करने में यह हमारी मदद करता है सर। एक कपड़ा लेकर इस जगह को अच्छी तरह से पोंछ देना, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं दरवाजे पर ताला लगा देता हूं, बाहर से कोई भी देखे तो लगना चाहिए घर में कोई नहीं है। मैं कुछ पूछूं? अरे कोई बात नहीं, पूछ सकती हो, पूछोगे तभी तो पता चलेगा। देखो पहले मुझे उस गाड़ी के बारे में पता लगाना होगा, गाड़ी को ठिकाने लगाना है ना। हाँ जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा। हम लोग अकेले कैसे रहेंगे, ये सोचकर ही डर लग रहा है। तिरुपति बालाजी की विभूति लगा लो, मैं कुछ भी करके रात तक लौट आऊंगा। मैं फोन नहीं करूंगा, किसी और का फोन आएगा तो उठाना मत, समझ गई? बिल्कुल नहीं उठाना। और क्या बेटी? पापा, पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी क्या पापा? मुझे डर लग रहा है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? हाँ तू और जेल में, ऐसा हो सकता है? तेरे पापा है ना,
जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। अब रो मत। है? क्या ये पैसे? वो तो पता है लेकिन ये काफी नहीं है। ये क्या है सर, रेट तो 1000 रुपए ही है ना। वो तो ठीक है लेकिन पासपोर्ट लेने वाला आदमी घर में होगा तब, लेकिन वो नहीं है ना, इसलिए रेट ज्यादा होगा। चल 1000 रुपए और निकाल। तो 1000 रुपए बहुत ज्यादा है सर। लड़का फॉरेन जाकर कमाने वाला है ना, हम कहाँ कमाएंगे। अरे वो स्वयंभू ही है ना, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसका घर पास में ही है सर, वो इस रास्ते से भी जा सकता है। वो क्या है ना, वो मटन मच्छी ज्यादा खाता है, इसीलिए मैं उसके टच में नहीं रहता हूँ। प्रभाकर हियर? नहीं, उसी टाइम पर, ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगा। कोरिया वाले बहुत पंक्चुअल होते हैं। आप जाइए, ठीक है? थैंक्स। नंबर यू कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ राइट नाउ, प्लीज ट्राई लेटर। कहाँ चला गया तुम्हारा बेटा? कब से कॉल कर रहा हूँ, हमेशा स्विच ऑफ रहता है। आप 1 घंटे में 30 बार फोन करते हैं, इसीलिए फोन स्विच ऑफ करके रखता है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, उसके पीछे पड़ के उसे टॉर्चर मत कीजिए। वो एक जवान लड़का है, थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, वरना ये सब तो करेगा ही। सही कह रही हो, लेकिन फ्रीडम की भी लिमिट होती है, और वरुण तो ये लिमिट कब की क्रॉस कर चुका है। एक लड़के को बिगड़ने के लिए उसके पास सब कुछ है, कार, सेलफोन, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हर महीने वो कितना खर्चा करता है पता है तुम्हें? पूरे 58,000। पिछले महीने ही उसने कुछ कपड़े खरीदे थे, शूज भी खरीदा था, मुझे बिल दिखाया था उसने। अब क्या चाहते हैं आप? मैंने भी उसके रूम में वो बिल्स देखे थे, 4 डिजाइनर शर्ट और 2 महंगे शूज खरीदे, लेकिन उसके रूम में वही पुराने टी शर्ट और शूज पड़े हुए। खरीदे हुए कहाँ है? मतलब उसका रूम भी चेक करना शुरू कर दिया आपने, इसलिए वो घर पर नहीं रहता। बच्चों को प्राइवेसी नहीं चाहिए क्या? आपकी सोच पर ही मुझे गुस्सा आता है, उसके पीछे ही पड़ गए हैं। प्राइवेसी? अरे ऐसी क्या प्राइवेसी है जो अपने माँ बाप को भी नहीं पता होनी चाहिए? अरे प्राइवेसी की जरूरत उन्हें होती है जो गलत करते हैं, ईमानदार को क्या प्राइवेसी? तुम्हारे प्यार और फेवर का गलत फायदा उठा रहा है वो, और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। Thank you.
स्वामी भरत नंद तीन काशी आ रहे हैं, लिखा है वहाँ वो बहुत बड़ा हवन करने वाले हैं। ए, गाड़ी आगे बढ़ा। क्या चाहिए सर? एक मोबाइल, सेकंड हैंड चलेगा, 1000 तक का। ये देखिए। कितने रुपए? 900 रुपए। बैटरी फुल चार्ज है ना? हाँ है। ये सिम इसमें डालकर दोगे क्या? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। आज शाम को मैं दिल्ली जा रही हूँ। हाँ, 2 दिन की मीटिंग है। थैंक यू सर। भाई इसमें से आवाज नहीं आई, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ा कुआं है।
अरे भाई सुबह से तुम कहाँ चले गए थे? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया आज तक। कलेक्शन कैसा हुआ? कलेक्शन ज्यादा नहीं हुआ, ऊपर से ये बारिश हो रही है और टीवी में फिल्म भी ठीक से नहीं आ रही है। पूरा दिन ऐसे ही गुजरा मेरा। हाँ हाँ ठीक है, कल और परसों में दुकान पर नहीं आऊंगा, तुम संभाल लेना। कहाँ जा रहे हो भाई? एक पूजा में जा रहा हूँ। पूजा में? अरे जा रहा हूँ ना, एक तरफ घर वाले जिद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सवाल किया जा रहा है। भाई आज क्या हो गया है आपको? क्या उस दरवाजे से आए इस दरवाजे से वापस जा रहे हो? अरे यार ये मेरी दुकान है, मुझे किस रास्ते से जाना है नहीं पता क्या? दो दिन में वापस आ जाऊंगा, हिसाब से अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो जान से मार दूंगा, समझ गए? ये जान तो आपकी है भाई। अच्छा भाई अब क्या हुआ? बाहर बारिश हो रही है ना, ये रख लो। रानी, रानी मैं हूँ। पापा, पापा, कहाँ चले गए थे इतनी देर तक? पापा, 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 हम लोग कितना डर रहे थे, कहा था ना जल्दी आना। पापा, अब हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाइएगा पापा। अब ठीक है बेटा, ठीक है, नहीं जाऊँगा, अब रो मत। पापा आपने उस कार का क्या किया? कौन सी कार? वरुण लेकर आया था। सुनिए वो कार उसे मैंने गिरवी रख दिया बस। लेकिन आज से यहाँ एक ही रूल होगा, तुम लोगों को क्या पता है वो मैं बताऊंगा, तुम्हें बस उतना ही याद रखना है, मैं जो बोलूं तुम्हें बस उतना ही बोलना है। समझ गई? समझ गई? समझ गई? कपड़ा लेकर आ, तौलिया लेकर आना, सर पोछना है। आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो रही है क्या? किस बात की टेंशन? हमने एक लड़के को। कौन लड़का? ऐसा कोई लड़का यहाँ नहीं आया था और ना ही हमने किसी को देखा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन वरुण कौन है? वो बैठो, बैठ जाओ। तू ऐसे किसी भी लड़के को नहीं जानती है, ऐसा कोई लड़का यहाँ नहीं आया। आज के बाद ये याद रखना, हमें टेंशन और डर कर नहीं रहना है, अगर रहेंगे तो फंस जाएंगे। आज मेरी समझ में आया, जब मैं ऑफिस में गया, ऑफिस के अंदर घुसते ही वो दुरई पूछता है, क्या भाई आप बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं? उस नादान को मेरे चाल ढाल में अंतर समझ में आ गया, तो औरों को बताने की जरूरत है क्या? इसीलिए जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूलकर पहले की तरह सबके साथ हंसते खेलते हुए रहना। अब सब लोग तैयार हो जाओ, कल एक ट्रिप में जाएंगे। कहाँ? तेनकाशी। क्यों? अब हम लोग दो दिन यहां पर नहीं रहेंगे, और अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे सत्संग में गए थे। कौन सा सत्संग? अब, 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 अरे वो उस दिन तुमने नोटिस दिखाया था ना, अब क्या था? स्वामी भरतनंद। हाँ वही स्वामी। वो तो कल ही खत्म हो गया होगा। ओ खत्म हो गया क्या? कल था, आज था या कल है? क्यों उलझा रहे हो? टिकट 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 टिकट। क्या भैया बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये बताओ बस नई खरीदे क्या? नया कहाँ खरीदेंगे, केरला में चल रही थी, कम भाव में मिल रही थी तो खरीद लिया। कहीं दूर जा रहे हो क्या? नहीं यही तेनकाशी। हाँ, सत्संग में। हाँ, वो वर्धानंद स्वामी जी है ना। हाँ, हाँ, घर वालों की इच्छा थी। हाँ, इसीलिए। अरे ये क्या पैसे दे रहे हैं आप? अरे अपनी ही गाड़ी है, आराम से बैठिए। अरे बे बे, हम चार लोग हैं, ले लो भाई। हाँ, टिकट टिकट टिकट। क्यों देख रही हो? सब कुछ भूलना होगा। हम भुला नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, बहुत डर लग रहा है। भूलना ही पड़ेगा,
तुम लोग अगर इसी तरह डरती रही ना तो पक्का हमें पुलिस पकड़ लेगी। मेरी बात मानकर अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तभी हम मुसीबत से बच सकते हैं। ए, सुनो एक बात याद रखना, आज से हम लोग जो भी सामान खरीदेंगे उसका बिल लेकर रखेंगे, फल सब्जी दूध चाहे जो भी हो, समझ गई ना? Connect me to Cybercell. सेलफोन सिग्नल से पता चलता है वो तेनाकाशी से सीधा तुडुकुड़ी चेन्नई विशाखापत्तनम मोबर के रास्ते मुंबई गया। मालेगांव में उसके मोबाइल का लास्ट सिग्नल मिलता है और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं आसपास उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। मुंबई में तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो विशाखापट्टनम क्यों गया होगा? शायद अपने दोस्तों के साथ सैर करने गया होगा। मैडम पकड़ने वाले लड़कों को मिली। बहुत दिन हो गए। यस मैडम, लगता है लगभग 2-3 हफ्ते हो गए। एक्सक्यूज मी, इस तालाब के अंदर? देख लिया है सर, इस गांव के गोताखोरों ने पूरा तालाब अच्छी तरह छान लिया है, अंदर कुछ नहीं है सर, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर सुरेंद्र नागर, मैडम मीडिया वाले यहाँ बिल्कुल नहीं आने चाहिए, ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। यस मैम, प्लीज रैप इट अप।
मैडम वरुण के सेलफोन से आखिरी कॉल कहां पर किया गया था हमने पता लगा लिया। मैडम 2 अगस्त की रात को 7:18 पर 9940076191 इस नंबर पर कॉल किया गया है। टावर में चेक किया तो पापनाशम के पास सुंगा नाम के गांव में फिर से रात को 10:15 में आउट ऑफ कवरेज हुआ है। उसके बाद अगले दिन सुबह 9:24 पर वापस तेनकाशी टाउन पर रेंज में आया है। आखिरी बार मुंबई के पास स्विच ऑफ हो गया। फिर भी हमें जो एविडेंस मिला है उसके मुताबिक इस केस की तहकीकात को हमारे स्टेट से बाहर ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वरुण ने जिससे आखिरी बार बात की वो किसका नंबर है पता लगाइए। यस मैडम। अंदर भेजिए। मैडम आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें से आखिरी विड्रॉल अगस्त 2 सुबह 10 तेनकाशी जंक्शन के एटीएम से हुआ है मैडम। कितना निकाला था? 20,000 सर। 20,000? इतने रुपयों की उसे क्या जरूरत थी? मैडम मुझे एक शक है। 2 को जो मोबाइल आउट ऑफ रेंज हुआ है उसका IMEI नंबर, 3 को जो मोबाइल रेंज में आया उसका IMEI नंबर, दोनों अलग अलग है मैडम। तो हो सकता है साहब नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे निकाले हों। नहीं, उसके पास नया मोबाइल था, खरीद कर 1 भी नहीं हुआ था। वो इतनी जल्दी नया मोबाइल नहीं खरीदेगा। गीता, हमारा बेटा मुसीबत में है। हाँ आ गए तुम। क्या है ये भाई? ये तो पंचायत का रसीद है ना। कब भरने के लिए बोला था? सर क्यों खुजा रहा है? जू भर गया क्या? 3 हो गया। इतना लेट नहीं हुआ है भाई? कान के नीचे बजाऊंगा। ये वरुण प्रभाकर है, IG गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा। ये लड़का मिसिंग है। इस महीने की 2 को इस गांव में आया है। उसका सेलफोन का रिकॉर्ड है। वो जिस मारुति कार में आया था उसकी फोटो ये है। नंबर TN72E6312। यही कार खादान के तालाब में मिली है। भाई 100 निकाल। इतना पैसा मेरे पास नहीं है सर। शाम को क्वार्टर मारने के लिए रहता है। चल निकाल। 20 है सर। 20 है तो यही दे। लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, छोटी हो या बड़ी हो। पीने की गलती कर दी। चाचा सिगरेट का एक पैकेट दो। ये क्या 20 दे रहे हो? बाकी बाकी का बाकी है। क्या पेरिमल साहब, सुबह चाय पीने नहीं आए? चाय पीने का टाइम कहाँ है? एक घटिया सा केस आया आजकल, उसी की पूछ पकड़कर घूम रहा हूं मैं। क्या केस है? खदान में जो तालाब है ना उसमें एक पीली मारुति कार मिली है। कौन सा तालाब है? कौन सा तालाब बताया? इधर का तालाब नहीं चाचा, तेनकाशी रोड में LNG कुंपम के पास, उधर अरुणधती कॉलोनी है ना उसी के पास। उसके लिए इधर आकर क्यों पूछताछ कर रहे हो? उस कार के बारे में किसी को अगर ठीक से जानकारी हो तो उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए IG ऑफिस से फोन आया था। अब ऊपर वाला तो भगवान है ना, अब वो जो बोलेगा चुपचाप हाँ हाँ करना ही पड़ेगा। अब चाचा पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। मैं और श्रवण सर इंचार्ज हैं। ठीक है आता हूँ। ए परिमल,
फालतू काम मत कर, ये कोई मजाक नहीं है। तू स्वयंभू से नफरत करता है यहाँ सब जानते हैं। अगर तू इसमें कोई खेल खेलना चाहता है ना तो तू फंस सकता है। देखिए मैं झूठ क्यों बोलूंगा, स्वयंभू जब कार लेकर जा रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा था। बताया आपको, अभी कार की बात कर रहा था तो उसके चेहरे पे शिकन थी। अरे ये क्या नई आदत पाल ली है, अब देने का मन किया रख लो। उधारी खाने वाले सभी का मन ऐसा हो जाए। आ रहा है वो, कितना डर है उसके चेहरे पे। इस केस से उसका कोई ना कोई लिंक जरूर है, देख लेना अगर उसके अंदर डर होगा ना तो पलट के जरूर देखेगा। देखा? ए श्रवण। बोलिए सर। उस स्वयंभू और रायजी के बेटे का क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर उन दोनों में 36 का आंकड़ा है, इस बात का फायदा परिमल उठाना चाहता है। किसी और को देखा होगा उसे ही स्वयंभू बताकर कंफ्यूज कर रहा है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह ही क्वार्टर पी लिया होगा। छिछे, स्वयंभू के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। कुछ भी हो परिमल एक पुलिस वाला है, आईजी के मामले में झूठ बोलने का हश्र क्या होगा जानता है वो। सर ये देखिए, 3 तारीख रविवार सुबह ठीक 7 बजे वेणुगोपाल के घर गया था। उसके बेटे ने जो पासपोर्ट अप्लाई की थी उसी के वेरिफिकेशन का विजिट था मेरा। उस समय मैंने स्वयंभू को कार ले जाते हुए देखा था सर। हे इधर आओ, अच्छी तरह से सुन लो, बहुत जरूरी बात है। पिछले शनिवार को अगस्त 2 तारीख हम कहाँ थे? तेनकाशी में। सत्संग गए थे। वापस कब आए? अगले दिन रविवार को। कब? शाम को। अच्छा सत्संग कहाँ था? तेनकाशी में। तेनकाशी में कहाँ? भद्रकाली माता के मंदिर। हाँ। ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मतलब पुलिस आने वाली है क्या? जरूर आएगी, लेकिन वो कब आएगी बता नहीं सकते। वैसे वो जितना लेट आएगी उतना अच्छा है। उस लड़के का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है और किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो हमसे सच उगलवाकर सबूत बनाना चाहते हैं, जैसा फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। हमें डराएंगे, धमकाएंगे, कभी एकदम प्यार से बात करेंगे। हो सकता है मुझे और तुम्हारी माँ को मारे भी वो, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिलेगा तो हमें छोड़ देंगे। इसीलिए चाहे जो भी हो वो कुछ भी कर लें, हम लोगों को अपना जवाब नहीं बदलना है। समझ गई? विश्वास कर सकता हूँ ना? पापा, पुलिस आपको मारेगी क्या? तो उसके बारे में सोच रही है क्या? जब तू गलती करती है तो माँ मारती है ना, उसी तरह है। डर लग रहा है पापा। क्यों? नहीं बोलो। डर लग रहा है। अब पापा है ना, फिर क्यों डरी हो? डरो मत, जाकर सो जाओ, जाओ सो जाओ। सुनिए, शनिवार को हम यहाँ नहीं थे ये विश्वास के साथ हम सबको यकीन दिला पाएंगे क्या? केबल ऑफिस में पता है, सुलेमान भाई के होटल में सबको पता है, सबने देखा होगा। हाँ जरूर पता होगा। फिर झूठ कैसे बोल पाएंगे? एक छोटी सी बात पर उम्मीद रखकर, हमें जो जरूरी नहीं होता है हम उस बात को एकदम से याद नहीं रखते हैं, बस उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। वैसे ही देखते हैं, हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। सब कुछ उन्हें सच सच बताकर हम अपने आप को सरेंडर कर दें। क्या हाँ कह रही हो? फिर क्या होगा पता है तुम्हें? अपनी बच्ची के बारे में पेपर टीवी में न्यूज बनाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे रानी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें और बच्चों को जेल में नहीं जाने दूंगा। मैं हूं ना, रो मत, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन तुमने जिसको देखा था वो स्वयंभू था क्या? अब आप ऐसे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो स्वयंभू है? ओए,
उस दिन जब मैंने पूछा तो तूने बोला कि वो स्वयंभू ही था। उस दिन आपने बोला स्वयंभू कार में जा रहा है तो मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए हाँ बोल दिया। अभी आप पूछेंगे तो कैसे बता सकता हूँ। तूने देखा था क्या? स्वयंभू भैया थे ये कह नहीं सकता, और वो स्वयंभू भैया ही होंगे मुझे डाउट है। ए, वो जिस कार में गया था यही कार थी क्या? कार का कलर पीला था ये तो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये वही कार है ये नहीं बोल सकता। ए, तू कोई भी बात विश्वास के साथ बोल सकता है क्या? तूने देखा था क्या? नंबर नहीं देखा, लेकिन पीले कलर की मारुति कार थी इतना पता है। सर, पश्चिम दिशा में रेड हिल के पास प्रोफेसर सम्मी कलर ने एक नया घर खरीदा है ना? हाँ हाँ। उन्होंने भी पीले कलर की कार रखी हुई है। हाँ, ये सही कहा तूने। उस दिन हमने जो कार देखी थी ना, वो सम्मी कलर की कार थी। वो फैसला हम करेंगे। क्या ये? सर फैक्स आया है। अभी आया है क्या? जी अभी आईजी ऑफिस से आया है। पिछले महीने आईजी साहब का लड़का नेचर क्लब टूर के लिए गया था। उस टूर में जो बच्चे आए थे उसमें से एक लड़की हमारे गांव की भी है। उसका नाम है शिल्पा, केबल टीवी वाले स्वयंभू की बेटी है। सर मैंने कहा था ना आपसे, आप क्या बोलते हो? अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है सर, उसे उठाकर इतना मारेंगे कि सारा सच उगल देगा वो। बस आप अपनी परमिशन तो दीजिए। ए परिमल, ये मैटर बाहर नहीं आना चाहिए, समझा? ये ले। न्यूक्लियर कंटेंट। मैडम। शिल्पा, यू वांटेड बाय द प्रिंसिपल। अगर हम मुंह खोलेंगे तभी सच बाहर आएगा। एक ही बात बार बार बोलने से ये सोसाइटी समुदाय यकीन करती है। फिर बचपन से क्यों मुझे सच बोलने के लिए सिखाया है, ऐसा मत पूछो मुझसे। देखो मेरा सच मेरा परिवार है, इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए क्या करना है तुझे पता है। किसी भी वजह से तू उस लड़के को नहीं जानती ऐसा मत बोलना, क्योंकि उन लोगों ने पहले से पता लगा लिया होगा कि तू उस लड़के को जानती है। अभी सिर्फ हमें ये बोलना है कि वो लड़का इधर आया ही नहीं, बस इस बात को गांठ बांध लो। वो लोग चाहे जितना भी घुमा फिरा कर पूछे, तू अपनी बात पर अड़ी रहना। शिल्पा, ये एसआई सुरेश हैं, तुमसे कुछ इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस लड़के को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ सर, इसका नाम वरुण है। कैसे जानती हो? पिछले महीने स्कूल की तरफ से नेचर क्लब की ट्रिप पर गए थे। हाँ। तभी ये लड़का वहाँ पर आया था। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, फ्रेंड नहीं है, बस हाय बाय था इतना ही। हाँ, इसके बारे में और कुछ जानती हो क्या? सुना था ये आईजी का बेटा है। उसने खुद बताया था क्या? नहीं, वहाँ पर चर्चा हो रही थी सर। तुमने तो बताया कि तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो, लेकिन उसका नाम तुम्हें बराबर याद है। सर, इसकी वजह से कैंप में काफी समस्या हुई थी। समस्या? कैसी समस्या? ये लड़कियों की फोटो खींच रहा था सर। तिरुनेवेली से एक बहुत बड़े वकील की बेटी आई थी, उस लड़की की फोटो खींचने की वजह से वहाँ काफी हंगामा हुआ था। तब टीचर ने आकर इसे डांटा था, बहुत बैड बॉय था सर। उसके बाद तुमने उसे कहाँ देखा? नहीं सर, उसके बाद मैंने इसे नहीं देखा सर। देखा था ऐसा बोला? किसने बोला? वरुण ने। हाँ बेटी। वो झूठ बोल रहा है सर। इस महीने 2 तारीख को वो तुम्हारे घर पर आया था क्या? मेरे घर पर? हाँ। कोई नहीं आया था। आपने तारीख क्या बताई सर? इसी महीने की 2 तारीख शनिवार को, यानी अगस्त 2 तारीख शनिवार को, समझ में आया? उस दिन तो हम लोग थे ही नहीं सर। कहाँ गए थे? तेनकाशी, वहाँ मंदिर में सत्संग था, वहीं गए थे। कौन कौन गया था? पापा, माँ, छोटी बहन और मैं, हम सब गए थे। फिर वापस कब आए? अगले दिन शाम को ही वापस आए थे, और आते समय बहुत तेज बारिश थी। अभी बारिश के बारे में तुमसे किसने पूछा? 2 दिन तक सत्संग चल रहा था क्या? नहीं सर, सत्संग एक ही दिन था। अगले दिन एक होटल में रुककर ऐसे ही हमने एक फिल्म देखी थी सर। कौन सी फिल्म? अनजान। आखिर प्रॉब्लम क्या है सर? ये लड़का वरुण मिसिंग है। इस महीने के 2 तारीख को ये पाप नाशा में आया था। इस गांव में वो सिर्फ इसी लड़की को जानता था, इसीलिए वो इस लड़की से मिलने आया था।
उसी के लिए एक छोटी सी इंक्वायरी। नहीं सर, मैंने उसे कैंप के बाद नहीं देखा। ओके, थैंक यू। यू वेलकम सर। ओके, यू मे गो टू योर क्लासरूम। थैंक यू मैम। आप स्वयंभू की वाइफ है ना? हाँ सर। आपका नाम? रानी। नमस्ते सर। क्या स्वयंभू, इस समय तो घर पे कभी नहीं आता था। आपने स्कूल में जाकर पूछताछ की, प्रिंसिपल मैडम ने इन्हें बताया तो इसने डर के मारे मुझे फोन किया। मैं पुलिस स्टेशन गया तो पता चला आप इधर आए हो, इसीलिए मैं जल्दी से आ गया ताकि आप लोगों से यहीं मुलाकात हो जाए। आप बाहर क्यों खड़े, आइए ना, घर के अंदर चलते हैं। इस फोटो में जो लड़का है उसे देखा है क्या? नहीं सर। बहन जी आपने? और ये कार? ये तो मारुति है। नहीं, मैंने इस गाड़ी को नहीं देखी। हाँ? नहीं सर। स्वयंभू, हम खुलकर बात करते हैं। हा? अरे हाँ साहब, मैं भी तो यही चाहता हूँ। इस फोटो में जो लड़का है वो वरुण प्रभाकर है, आईजी गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा। 25 दिनों से लापता है। कुछ दिन पहले वो नेचर क्लब में गया था, उसी दौरान आपकी बेटी शिल्पा से उसकी पहचान हुई थी। उसने जो पीले कलर का कार दिखाया वो इस तरफ आई थी, उस कार को हमने ढूंढ लिया है। वो कार खदान के पास जो तालाब है उसे हमारे आदमियों ने निकाल ली है। हमारे यहां आने की दो वजह हैं। पहली, वो वरुण आपकी बेटी को जानता है, और दूसरी, हमारा कांस्टेबल परिमल आपको उस कार में जाते हुए देखा है। अपने थाने के एरिया में वेणुगोपाल के घर मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था, उस वक्त तुम्हें उस कार में जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसका क्या मतलब है, यानी वो लड़का इधर आया था? लेकिन उस दिन अगस्त 2 तारीख को हम लोग गाँव में थे ही नहीं, तीन काशी सत्संग में गए थे और अगले दिन अगस्त 3 तारीख को शाम को घर वापस लौटे थे। हो, काफी है, फिर इतना काफी है? अब तो ठीक है ना सर? ए, अपनी ये मुस्कुराहट तू अपने पास ही रख। वो लड़का जिस डेट को यहाँ आया, ना तो मैंने बताया और ना ही एसआई सर ने। जब वो कार तुम लेकर के जा रहे थे वो डेट भी मैंने नहीं बताई। तो फिर तुम्हारी बीवी को वो डेट कैसे पता चली? क्या स्वयंभू, इस हंसी के पीछे क्या मजाक है? उसने जो सवाल पूछा है जवाब दो उसका। अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं पुलिस वालों का मजाक क्यों उड़ाऊंगा? अभी भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए यह हक्का बक्का होकर खड़ी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साहब आप स्कूल गए थे, स्कूल का नाम खराब होगा, इस बात की चिंता प्रिंसिपल को थी इसीलिए उन्होंने यहाँ फोन किया। आपने जो सवाल वहां किया वही सवाल प्रिंसिपल ने इससे किया, तभी हम लोगों को इस तारीख वगैरह के बारे में पता चला। चलो। हाँ, अगस्त 2 तारीख को उसने आपको गाड़ी ले जाते हुए देखा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने? इसका भी जवाब मुझे ही देना पड़ेगा साहब। क्यों? अब परिमल साहब मुझसे नाराज रहते हैं ये तो पूरे पाप नाशम को पता है, मैं कुछ भी कहूंगा वो यकीन नहीं करेंगे। परिमल को यकीन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे चाहिए। हाँ तब तो मैं बताता हूँ सर। सर इतने यकीन से जब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे देखा था तो इसका मतलब ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने मेरे जैसे किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगस्त 2 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक हमारा पूरा परिवार तिनकाशी में था साहब। नहीं सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो यही था सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। 2 तारीख को यहाँ से जाने से लेकर वहां से यहाँ वापस आने तक जो कुछ भी हुआ साफ साफ बताओ। हाँ साफ साफ बताता हूँ। सुबह 5 बजे, नहीं 5:30 में, हाँ पहली बस पकड़कर हम तिनकाशी गए थे। फिर आपके पास तो जीप है ना? आप कैसी बात कर रहे हैं, पिछली बार जब हम गए थे तो जीप का ब्रेक डाउन हो गया था और इसने मुझे बहुत डांटा था, इसीलिए हम लोग इस बार बस में गए थे।
वहां से वापस आते वक्त बारिश हुई थी क्या? हाँ, बहुत तेज बारिश हुई थी। हम लोग भीग भी गए थे साहब। अगले दिन दोनों बच्चों को हमने स्कूल भी नहीं भेजा था। दोनों बच्चे बहुत थके हुए थे। तुमने सारे बिल जमा करके रखे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? बस टिकट को भी संभाल कर रखने वाला पहला आदमी देख रहा हूँ। साहब, मैं जब इस गांव में आया था तब खाली हाथ आया था। ये घर, कारोबार, ये ऑफिस, अगर आज मैं आदमी बनकर खड़ा हूँ उसका कारण यह है कि मैं बचत करता हूँ। 5 पैसे का भी हिसाब मैं बराबर रखता हूँ। सारे रसीद देखकर महीने के आखिर में हिसाब लिखकर रखता हूँ। आपको पता नहीं है इस गांव में मेरे पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं। अब अगर उनकी फिक्र करेंगे तो ऐसा घर बना सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है साहब। ये जगह कितने एकड़ की होगी? 5 एकड़ की। हाँ, ठीक है, आता हूँ। सुनिए, मैंने तारिक के बारे में बोलकर गड़बड़ कर दी ना। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना वो लोग यकीन ही नहीं करते। उन लोगों के सबूत देखने के बाद तू जो कह रहा है वो झूठ है? नहीं सर, मैं दिल से कह रहा हूँ सर, वो सच है। एकदम पक्का है? इतना पक्का होने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पकड़ के चार लगाएंगे, सब उगल देगा सर। वो बहुत ही साधारण है। गलती करने वाला इतना सावधान रह सकता है क्या? इसीलिए डाउट हो रहा है। सर, हम सब बेवजह परेशान हो रहे हैं। अभी तक हमने जो इंक्वायरी की है उसकी रिपोर्ट बनाकर आईजी ऑफिस में भेज देते, आगे जो होगा वो लोग देख लेंगे। तू जो बोल रहा है वो भी सही है। चलो। पापा, हमारी बात पर पूरी यकीन कर लेगी? पता नहीं। क्या वो वापस आएंगे पापा? जरूर आएंगे। उस आदमी का नाम क्या बताया? स्वयंभू निगम मैडम। क्या जंबू? जंबू नहीं मैडम, स्वयंभू निगम। पास में एक गांव है ना, वहाँ के भगवान का नाम है। ओ, मेरे बेटे की गाड़ी वही लेकर गया था, आपको पूरा यकीन है? नहीं मैडम, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन पीली मारुति थी। वो खुद गाड़ी चला रहा था क्या? हाँ सर, उसे चलाकर मैंने ले जाते हुए देखा था। पर उस बीच 2 दिन तो वो गांव में ही नहीं था, फिर वो अपने परिवार के साथ तेनकाशी कब गया था? वो सब झूठ है सर। लेकिन उसके पास इसका सबूत है। उसके पास 2 होटल की रसीद, कुछ बिल्स और उसने बस का टिकट भी दिखाया सर। वो सब ओरिजिनल है या नहीं ये देखना बाकी है सर। अगर इनकी बातें सच है तो क्या नाम बताया आपने? स्वयंभूलिंगम मैडम। तो वो सब झूठ है, वो सारे एविडेंस फेक हैं, और ये प्रूव करने के लिए आधा दिन काफी होगा। आफ्टर ऑल, गांव के एक अनपढ़ का दिमाग कहां तक पहुंचेगा ये बात हमें नहीं पता है क्या? देखते हैं। और अगर ये झूठ बोल रहा था, then we are wasting our time. That's right. इसलिए उस परिवार को तुरंत यहां लेकर आओ, सारे एविडेंस यहां पर होने चाहिए। Yes, madam. प्रोटोकॉल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, जो कुछ होगा डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए। ओके मैडम। आई विल हैंडल दिस myself. ठीक है मैडम। इधर बैठिए। हम लोग सुबह 5:30 बजे पहली बस पकड़ कर गए थे। सिर्फ वो बस का ही टिकट नहीं है, ऐसा क्यों? वो बस उनके फ्रेंड की है ना, इसलिए टिकट्स नहीं ली। सत्संग के लिए आप किस वक्त गए थे? 8:30 बजे के आसपास। सुबह की पूजा खत्म होने के बाद मंदिर का गेट बंद हो चुका था। हमारे पहुंचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। तकरीबन 8:30 बजे हमारे पहुंचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। आप सत्संग में किस समय गई थी? सब कुछ सही से बताना, लेकिन सब लोग एक जैसा एक ही बात मत बताना, समझ गई? और टाइम, टाइम है ना, देखो वो तुम लोग सब एक ही समय मत बताना। आप दोनों अभी छोटे बच्चे हो ना, थोड़ा इधर उधर अंदाज से बोलना है, टाइम बताने से पहले थोड़ा सोचना है।
करेक्ट टाइम माँ और मैं बताऊंगा, ठीक है? टाइम पता नहीं, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। आपके पहुंचने के कितनी देर के बाद सत्संग शुरू हुआ था? वो लोग सवाल पर सवाल करके तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल क्या है पहले अच्छी तरह सुनना, उसके बाद समझना, फिर जवाब देना। हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारी माँ ने बोला कि तुमने बहुत देर तक वेट किया। माँ ने ऐसा बोला, बाप ने ऐसा बोला, इस तरह झूठ बोलकर वो लोग तुम्हें उलझाएंगे, लेकिन ये सुनकर तुम लोग अपनी बात को बदलना मत। नहीं, हमारे पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुका था। आइए। चला क्या करम भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे और गेट को अंदर से बंद कर रखा है। अरे लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं, अंदर तो हम आएंगे ही। ये स्वयंभू कौन है पता है तुम्हें? हमारा कोई भी हो, हम गेट नहीं खोलेंगे। अरे ये क्या बात हुई, अंदर जाओ, वो हमारे रिश्तेदार है, आप लोग जाइए, जाओ मेरा, छोड़ो, खोल जाओ, इन लोगों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, मेरी बात सुनो, खोलो, छोड़ूंगा मैं, बात करता हूँ ना इनसे, इनसे झगड़ा करके जीत सकते हैं क्या? फिर हम लोग होटल में जाकर खाना खाने लगे। कौन सा होटल? नाम तो याद नहीं है। क्या खाया था आपने? बिरयानी। और आपके माँ बाप ने क्या खाया था? सबने बिरयानी खाई थी। उन्होंने बोला कि उन्होंने फ्राइड राइस खाया, आप कह रही हैं कि बिरयानी खाया। वो लोग शायद भूल गए होंगे, हमने बिरयानी ही खाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। प्रभाकर, किसने बोला ऐसा? छिछे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं लोग। मिसेस सुरेश, मैडम, व्हाट डू यू थिंक? आई टोल्ड यू दैट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं, मस्ट बी अ र्यूमर। मैं इधर एक मीटिंग में हूं, मैं आई कॉल यू बैक, थैंक्स। न्यूज रिपोर्टर चैनल से बुला रहे हैं, वरुण के लापता मामले में हम एक परिवार को उठाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल में गई। Just leave it. Tell me. मैडम, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। They are very tough. वो लोग जो भी बोल रहे हैं वो एक जैसा है, वो लोग विश्वास के साथ है मैडम, उसके अलावा एकदम परफेक्ट, बिना कंफ्यूजन के सही जवाब दे रहे हैं। छोटी बच्ची भी मैडम। That's it. वो छोटी बच्ची भी सही जवाब दे रही है। अगर वो इतनी परफेक्ट है तो ये देखकर आपको कुछ डाउट नहीं हो रहा? मैडम, मुझे भी शुरू में इसी की वजह से थोड़ा डाउट हो रहा था, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है मैडम। अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो ये परफेक्शन सही है ना, इनको गलत लगा होगा ना? नो प्रभाकर, एक बात तो पक्की है, दे नो समथिंग अबाउट वरुण। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली मनगढ़ंत कहानी है, बहुत ही शातिर दिमाग से उसने ये पूरी कहानी बनाई है, बट दे कांट सेल इट हियर। मैडम, जब हमें ये बात पता चल गई है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्यों ना झूठ बोलने वाली मशीन से इनका टेस्ट करवा लिया जाए? तुम्हें पुलिस ने किसने भर्ती किया? लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना इतना आसान है, उसके लिए हमें प्रॉपर अरेस्ट करना पड़ता है, केस चार्ज करके कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता तो है। फिर ले लो ना। कैसे? हर चीज का अपना एक प्रोसीजर होता है। इन लोगों के ऊपर अगर हमें शक है तो पहले लेवल का सबूत हमें कोर्ट में पेश करना होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक छोटा सा भी सबूत नहीं है, और अभी हम ये जो यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं ये भी कानून के खिलाफ है। लेकिन उनकी इस कहानी को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, उनकी कहानी में जितने भी किरदार हैं वो सब यहाँ आने चाहिए। यस मैडम, मैं लेके आता हूँ। और एक बात, अगस्त 2 तारीख को अगर ये लोग सत्संग में नहीं गए थे, इसका मतलब ये लोग यहीं थे, और इसका मतलब स्वयंभू ऑफिस जरूर गया होगा। हाँ मैडम। उसी तरह वो आदमी हर दिन कोई जगह तो जाता होगा ना? है ना मैडम, एक चाय की दुकान है जहाँ वो रोज जाता है। वेरी गुड, उसके ऑफिस स्टाफ को, उस चाय वाले को, उस थिएटर वाले को, सबको यहाँ लेकर आओ, और इन लोगों को छोड़ दो। यस मैडम। एंड वन मोर थिंग, उन लोगों ने जो कहानी बताई है हमने उस पर यकीन कर लिया, ऐसा उन्हें यकीन दिला दो। यू गेट मी? जरूर मैडम। सच कहूं तो अंदर से मैं पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन पता नहीं जवाब देते वक्त कहां से हिम्मत आ गई। हे भगवान, चलो किसी तरह से ये सब खत्म तो हुआ। हे रानी। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।
वो वापस आएंगे। वापस आएंगे? हाँ आएंगे। क्यों जीजा जी, क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, आखिर कब तक आपका साथ दूंगा? जो बताना था वो सब बता दिया, इसके अलावा कुछ मत पूछिए, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। कितना दिन पूछेंगे तो 18 साल पहले जब मैं अपनी दुकान बना रहा था तब छपरा बनाने के लिए नारियल का पत्ता उठाकर देने वाला कौन था? वो अपना स्वयंभू था, ये बहुत अच्छा आदमी है। मैं उसका कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूँ, समझे? जो सवाल किया जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दो। अगस्त 2 तारीख को स्वयंभू तुम्हारी दुकान पर कितनी बार आया था? हमेशा 2 बार आते हैं, सुबह 1 वड़ा और चाय बस, फिर कभी शाम को 2 पराठा खाकर जाते हैं, और अगर कभी रात में ऑफिस में ठहरना हो तो फिर। हम लोगों ने पूछा 2 तारीख को वो आपकी दुकान पे कितनी बार आया, सिर्फ इतना बताओ। अगस्त महीने में 2 तारीख को 2 बार दुकान में आकर वड़ा और चाय। रुक जाइए, अगस्त महीना मतलब इसी महीने में ना? हाँ भाई, इस महीने की 2 तारीख को वो गांव में ही नहीं था, तेनकाशी के मंदिर में सत्संग में गया था। क्या कहा? सत्संग मैडम, पूरा परिवार एक साथ घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद करके जो हिंदू लोग नमाज करते हैं ना भाई। पहले तो कुछ और बताया था, वो भूल गया था सर, अभी तारीख याद आई मुझे। स्वयंभू ने सत्संग के बारे में क्या बताया था? बहुत अच्छा बताया था, वहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया था। वो मेरी दुकान में आकर सबको बुलाकर जैसे फिल्मों की कहानी सुनाते हैं ना, वैसा प्रवचन सुनाया। कैसी कहानी? सब कुछ अच्छा है, वही कहानी जो हो रहा है और जो होने वाला है, जो आ रहा है और जो आने वाला है, और ये सबके लिए। स्वयंभू सत्संग से वापस कब आया था? अगले दिन। टाइम क्या था? टाइम बराबर याद नहीं आ रहा सर, लेकिन भैया ऑफिस नहीं आए थे, जाने से पहले बताकर गए थे। तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ मैडम। हाल फिलहाल ये लोग तुम्हारी बस में कहीं गए थे क्या? 4-5 दिन पहले ही गए थे। नहीं नहीं, उससे पहले, इस महीने की शुरुआत में। इस महीने की शुरुआत मतलब मुझे अगस्त 2 तारीख लग रही है। कहाँ जाने की बात कर रहे थे? तेनकाशी में कोई स्वामी जी हैं, उनके पास सत्संग में जा रहे हैं, कार्यक्रम का नाम सुखी परिवार था। इन लोगों ने तुम्हारे लॉज में रूम बुक किया था क्या? हाँ सर। मतलब ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है? नहीं सर। तुम्हारे लॉज में तो कई लोग आते जाते होंगे, फिर तुमने इन्हें कैसे याद रखा? याद इसलिए है कि एक डबल रूम चाहिए। डबल रूम 650 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा। पिछली बार जब हम आए थे तब कोई और था, उन्होंने हमसे टैक्स नहीं मांगा था। वो अरोड़ा चलम रहा होगा भाई, नाम तो पता नहीं लेकिन टैक्स नहीं मांगे थे। वो किसी को बिल नहीं देते ना। तो बिल किसको चाहिए? सुनिए, ये औरतों के रहने लायक जगह नहीं लग रही है। क्यों? यहाँ देखिए ना, हर जगह बोतलें बोतलें ही पड़ी हुई हैं। अरे क्या ये? वो पानी का बोतल है भाई, बहुत अच्छा रूम है। तो ठीक है, जाकर इन्हें दिखाओ ना। आइए मेरे साथ। जाकर देख लो, फिर मैं खुद उनके साथ जाकर उन्हें एक अच्छा रूम दिखाया था सर। उन लोगों ने रूम कब लिया था पता है? पता क्या? नहीं सर। तेनकाशी क्यों आए थे बताया था? नहीं सर। इनका होटल रजिस्टर चेक किया तुमने? चेक कर लिया मैडम। इनके लॉज में 2 रजिस्टर है, एक में स्वयंभू का नाम है, अगस्त महीने की 2 तारीख शाम को 6:10 पर चेक इन है, और अगले दिन सुबह 9:30 चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों है? क्यों रे, मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? मैडम पूछ रही है, जवाब देना। मालिक जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ मैं, बिल मांगने वाले के लिए ये और नहीं मांगने वाले के लिए ये। इसकी सजा क्या है पता है? इतने दिनों बाद भी तुमने इन्हें इतनी अच्छी तरह से याद रखा है? जी हाँ, अच्छे कस्टमर कोई कैसे भूल सकता है। आपका होटल है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे यहाँ तो कमाल हो गया, इतनी अच्छी बिरयानी आजकल कहाँ मिलती है? बिल्कुल, पूरे शहर में हमारी बिरयानी बहुत फेमस है, बाकी सब लोग बहुत ज्यादा मसाला मिलाते हैं और हम कम मसाला मिलाते हैं।
भाई का नाम क्या है? आरोग्य शर्मा। हाँ, आरोग्य शर्मा ने बहुत अच्छी सर्विस दिया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पापनाशम का ही हूँ, केबल टीवी चलाता हूँ। बेबी का नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। बड़ा अच्छा नाम है। और मीना के पहले जो एस है ना, वो मैं हूँ। तुमको बिरयानी पसंद आई? बहुत अच्छी थी। शॉपिंग की? नहीं नहीं, यहाँ एक सत्संग में आया था, तेन काशी के मंदिर में। स्वामी वर्धनंद का नाम तो सुना ही होगा, वही सुखी परिवार वाले। ठीक है, तेन काशी तक जब आ ही गए तो हमने इन्हें फिल्म वगैरह भी दिखा दी। परिवार का बोझ है ही है ना। वो तो सही है। चलता हूँ, धन्यवाद। ठीक है ठीक है, ये लो। एक कस्टमर को याद रखा ये तो ठीक है, लेकिन वो कब आया, कितने तारीख को आया, ये सब याद रखना कुछ ओवर नहीं है सर। वैसे मैं तारीख तो याद नहीं रख पाता, क्योंकि कस्टमर बिल देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तारीफ करने वाले कस्टमर हमेशा याद रह जाते हैं, इसीलिए मुझे। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। क्या है ये? अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? इतने सारे लोग मिल गए जिन्होंने 2 तारीख को उन्हें तेनकाशी में देखा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैडम। गीता, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं वही सच है, परिमल झूठ बोल रहा होगा। सर सर, मेरी दादी की आखिरी सांस चल रही है, उनकी कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ सर। उस आदमी को गाड़ी ले जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। उस स्वामी जी को कॉन्टैक्ट किया था? वो वहाँ का कार्यक्रम खत्म करके वाराणसी चले गए थे मैडम, शायद कल आए होंगे। कॉल हिम। मैडम, आप जिनकी बात कर रही हैं वो मेरे सत्संग में जरूर आए होंगे, नहीं तो वो लोग कहानी अच्छी तरह से नहीं बता सकते। और मैंने उस दिन वो कहानी में बताया था, उसके बाद मैंने वो कहानी कहीं नहीं सुनाई। जो लोग वहाँ आते हैं उनका नाम रजिस्टर नहीं करते क्या? हाँ करते हैं, लेकिन लेट आने वालों को ऐसे ही बिठा देते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। उस कहानी को कहीं और से सुनने के चांसेस हैं क्या? जैसा मैंने कहा, अगर वो सही बोल रहा है तो उसने सामने बैठकर सुना होगा। पापा और मीना कहाँ हैं? अंदर गए हैं। ये फिल्म घिस गई है, ये डिजिटल प्रोजेक्टर है, इससे बहुत अच्छे से फिल्म दिखा सकते हैं। गांव में मैं एक थिएटर बनाने की सोच रहा हूँ। तो डिजिटल प्रोजेक्टर खरीद लीजिए। ऐसा क्या? और क्या, ये टेप रिकॉर्डर की तरह है और ये सीडी प्लेयर की तरह है। अरे ये तो कभी भी अटक सकता है, बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन इसकी बात ही क्या है, कमाल का चलता है बिल्कुल। अच्छा ऐसा है क्या? यहीं पर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हमारी फैमिली है। नमस्ते जी। हाय हाय। वो लोग कब आए थे? वो शायद इसी महीने की 3 तारीख थी। ए, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो क्या है कि सर, प्रोजेक्शन रूम में कोई नहीं आता है ना सर, लेकिन इन लोगों ने पूरी फिल्म वहीं बैठ करके देखी थी सर। और उसके पहले दिन मंदिर में कोई सुखी परिवार नाम से सत्संग था, कुछ ऐसा मुझे। तू जा, जा। गीता, कम विद मी। हमारा वरुण। गीता, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। Get it? Relax. मैं एक बात पूछूं, अपनी इंक्वायरी किसी और रास्ते पे जा रही है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तक हम जिस पर शक कर रहे हैं उसके सपोर्ट में एक छोटा सा भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं उसके फेवर में सारी बातें मिल रही हैं। वही वही तो प्रॉब्लम है, हमारे पहुंचने से पहले वो सब कुछ सेट करके रखा था ऐसा लग रहा है। मैं जो शक कर रही हूं वो सबूत की वजह से नहीं, एक इंसान को देखकर पता चलता है कि जरूर वो कुछ छिपा रहा है, और वही सबूत है। और हर पुलिस वाले में ये खूबी होती है प्रभाकर, यहाँ के सारे सबूत स्वयंभू के हित में है, लेकिन लेकिन वो झूठ बोल रहा है। I, 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 I,
डोंट नो, शायद इसलिए जज पुलिस वालों को अपने रिश्तेदारों के केस की इंक्वायरी करने की परमिशन नहीं देते। एक माँ के मन में अपने बच्चे को खोने की मानसिक उलझन भी हो सकती है। रिलैक्स। मैंने उसे एक साधारण इंसान समझ लिया था, क्योंकि वो अनपढ़ है। सोचा था वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, लेकिन ये किसी अनपढ़ गवार का दिमाग नहीं है। स्वयंभू बहुत ही अच्छा इंसान है मैडम। मैंने ये नहीं पूछा। हम जिस स्वयंभू को जानते हैं वो अनपढ़ गवार है, लेकिन उसका दिमाग पढ़े लिखे इंसान से भी ज्यादा तेज है। क्या ये बात आपने नोटिस की मिस्टर सुरेश? यस मैडम, वो इस गांव में अनाथ आया था और मजदूरी करता था, आज इस लेवल पे बिजनेस कर रहा है कोई आम बात नहीं है मैडम। बहुत सारा काम किया है उसने, केबल टीवी वाला काम उसने खुद सीखा था मैडम। बिना दहेज लिए बड़े घर की बेटी से शादी की। अभी उसके पास 5 एकड़ जमीन है मैडम, जो केबल टीवी बिल्डिंग है ना वो उसी की है। उसका राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट? राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं मैडम, लेकिन वो फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना है। कई भाषाओं की जानकारी है उसे मैडम, जो जैसा मिलता है उससे उसी की भाषा में बात करता है। उसे अंग्रेजी भी आती है और ये सब उसने सिनेमा देखकर ही सीखा है। सिनेमा, इट्स एन इम्पोर्टेंट लिंक। अभी किसी और से पूछताछ करना है? टिकट किसने नहीं लिया? टिकट लो, जल्दी जल्दी टिकट लो। तुम्हारी बस में एक दिन में हजारों लोग सफर करते हैं, उनमें से तुमने सिर्फ एक परिवार को बराबर कैसे याद रखा? मान लो कि वो किसी तरह याद थे भी, लेकिन वो लोग क्यों गए, कहाँ गए थे, सब कुछ याद है तुम्हें। मतलब जरूर कोई बात है। वो लोग अगस्त 2 तारीख को सत्संग से लौट आए थे, ये ठीक है ना? वो लोग 3 तारीख को आपकी बस में आए थे, ये कैसे? और तो और 25 दिन के बाद भी तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? बताओ मैडम को। सर जी, उन लोगों ने उस दिन मुझे ये बात बताई या नहीं बताई याद नहीं आ रहा है। अभी आपने बताया था ना कि वो लोग कहाँ गए थे। क्या है कि सर, वो मुझसे बाद में मिले थे तब बताया था। बाद में मतलब कब? बाद में मतलब 4 दिन बाद। कहाँ? हेलो। हेलो, मुझे भूल गए क्या? अभी अगस्त 2 तारीख को तेनकाशी से सत्संग से लौटते समय आपकी बस में ही तो आए थे, बेटी से भी आपने बात की थी। अगस्त 3 तारीख के शाम को। 3 अगस्त क्या हुआ आप? 3 अगस्त को ठीक तो है ना? याद आया। हमने सुना स्वामी जी आए हैं तो हम लोग चले आए। अच्छा, चलता हूँ, बड़ी खुशी हुई मिलके। हाँ हाँ, चलते हैं, चलो चलो चलो। नमस्ते भैया। आइए आइए। हाँ भैया नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या आप अकेले आए, परिवार कहाँ है? हमेशा परिवार को लेकर आएंगे तो खर्चा। पिछली बार तो सत्संग था ना तेनकाशी मंदिर में, इसीलिए सब साथ आए थे। आपने भी सुना होगा वो अपने स्वामी वर्धानंद। वर्ल्ड फेमस हैं यार। हाँ, सही बात है। और वो सुखी परिवार नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं। स्वामी जी का परिवार है क्या? अरे कैसी बात करते हैं। अरे वो बहुत अच्छे स्वामी हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर आप अपने परिवार के साथ उधर क्यों गए थे? hey, तुम नास्तिक हो क्या? नहीं भैया, गुस्सा मत कीजिए, मैं ही मानता हूं भगवान को। पिछली बार हम सत्संग के लिए आए थे अगस्त 2 तारीख को और हम लोग यहीं पर रुक गए। अगले दिन अगस्त 3 तारीख को शॉपिंग और फिर सिनेमा और होटल के बिना कोई शॉपिंग होता है क्या? फिर सीधा गाड़ी यहीं ले आए। ठीक है ठीक है। और आपको पता है उस दिन खर्चा बहुत हुआ। परिवार वालों ने जिद करके 40 रुपए की सिर्फ सेफ्टी पिन खरीद ली, लेकिन भाई हम कर भी क्या सकते हैं। तो। और उन लोगों ने 40 रुपए की पिन खरीद ली। बहुत मजा किया भाई। अरे नमस्ते। नमस्ते भाई, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। बहुत दिन? हाँ। अरे भाई, इसी महीने अगस्त 2 तारीख को सत्संग में जाकर अगले ही दिन तो हम लोग यहाँ आए थे। अगर सही से कहा जाए तो अगस्त 3 ना? हाँ 3 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा है क्या, इतनी जल्दी भूल गया? कमाल के इंसान हो आप। अरे ओ भाई, सुनो मेरे भाई, इस बार इज्जत से पैसे ले लेना। आप चुप रहे भैया, आप क्या बार बार आते हो? hey,
इसी महीने के अगस्त 2 तारीख को तो आया था ना तुम्हारी बस में तेनकाशी के लिए सत्संग के लिए, तू हमें मुफ्त में लेकर गया था। तो क्या हाथ में क्या है? अंगूठी जरा दिखाओ। हाँ क्या भाई आप भी, अरे जाओ जाकर काम करो। क्या ये सब कर रहे हो? जाओ यार। अरे उसी ने तो बताया था मैडम। अगस्त 2 तारीख को सत्संग में जा रहा हूँ, अगस्त 3 तारीख वापस आया, और अगस्त 4 तारीख सोमवार को तुझे बताया कि नहीं बता? अगस्त 4 तारीख सोमवार को। आज तारीख क्या है? एकदम बेवकूफ है तू, जा इसे भरकर आ, फिर बात करते हैं। भगवत गीता का जो सारांश है वो यही है, हमारे आसपास जो हो रहा है हमारी समझ से बाहर है, इसीलिए उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी दुखों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हमें बस अपना कर्म ठीक से करना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा, यही उस कहानी का अर्थ है। ये अच्छी कहानी है, किस फिल्म की है? अरे मैं तेनकाशी के जिस सत्संग में गया था उसी की कहानी बता रहा हूँ। लो भूल गए? अरे आपको बताकर तो गया था, अगस्त 2 तारीख शनिवार को मैं सत्संग में गया था। अगस्त 2 तारीख को सत्संग में गए? हाँ, और मैं वही की कहानी बता रहा हूँ। हेलो नो, ये एसआई का नंबर है, मैडम का नंबर नहीं है। हाँ मैंने ही उन्हें बुलाया है। कौन है? स्वामी वर्धानंद मैडम, बनारस आश्रम से बात कर रहे हैं। टेल मी स्वामी जी, क्या सीडी? पैसे देकर एडवांस बुकिंग करने वाले लोगों को ऑफिस से भेजा गया है, पूछताछ करने के बाद पता चला है बुक करने वालों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। सर वो किसी और नाम से भी तो बुक कर सकता है ना? हाँ हो सकता है, पर अगस्त 2 तारीख को वो इस गांव में ही नहीं है, पर तेनकाशी में है ये किसी ने नहीं बताया। 8:30 बजे होगा। वो उनकी दोस्त हैं इसलिए टिकट्स नहीं ली। अगस्त 2 तारीख को सत्संग गए थे और अगले 3 तारीख को वापस लौट आए थे। इस महीने की 2 तारीख को स्वयं वो गाँव में नहीं था। इसी महीने के अगस्त 2 तारीख को तो मैं गया था तेनकाशी सत्संग के लिए। हाँ अगस्त 2 तारीख को तेनकाशी गया था। अगस्त 2 तारीख होगा शायद। अरे अगस्त 2 तारीख को तेनकाशी सत्संग जाकर वापस लौटते समय आपकी बस में ही तो आए थे हम लोग। He just recreated that day. What? समझ में नहीं आया, उस दिन को उसने वापस बिल्कुल वैसे ही बना दिया और सभी लोगों ने उसमें एक्टिंग की, किसी फिल्म की तरह उसने हर पॉइंट डिटेल के साथ क्रिएट किया। फिल्म, फिल्म की स्पेशलिटी क्या है? दृश्य। फिल्म का कोई दृश्य जो आपके अंतर मन में एक छाप छोड़ सकता है, इसलिए फिल्मों में जो देखते हैं उसे सच मानकर हम यकीन कर लेते हैं। अगस्त 2 को जो तेनकाशी जाने की बात उसने कही वो काल्पनिक नहीं है, अगर उसकी कल्पना होती तो अब तक वो जरूर फंस चुका होता, क्योंकि वो सच में तेनकाशी गया था। बस से जाना, मंदिर में जाना, लॉज में ठहरना, होटल में खाना और फिर फिल्म देखना, ये सब सच में हुआ है। इसलिए हमने जितनी भी बार पूछा उन लोगों ने विश्वास के साथ एक ही जवाब दिया, क्योंकि वो सब सच है। मतलब उन लोगों ने जो भी कहा उसमें सिर्फ तारीख छूटी है, क्योंकि वो लोग वहां अगस्त 2 तारीख को नहीं गए, शायद वो कोई अगली तारीख हो सकती है। मैडम अगली तारीख मतलब? सोमवार या मंगलवार, यानी अगस्त 4 या फिर 5। मैडम हमारे पास ये रिपोर्ट है कि स्वयंभू के बच्चे सोम और मंगलवार को स्कूल नहीं गए थे। मैडम ये बात सामने आ चुकी है, बारिश में भीगने की वजह से उसके बीवी बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, उसने दवाई का बिल भी दिखाया है। उसने जो बिल दिखाया है वो सब नकली है, मेडिकल बिल इजीली लिया जा सकता है, या फिर बिल के जरिए वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन 2 अगस्त को लॉज के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, 3 तारीख को उसके पास सिनेमा और बस के टिकट है, वो तो नकली नहीं होंगे। मैडम सर जो बोल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वयं वो एक ऐसा इंसान है जो कभी स्कूल भी नहीं गया, टीवी चलाने वाला एक साधारण सा इंसान मान लिया हमने उसे, लेकिन उसने जो किया है वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ।
तीन तारीख सुबह स्वयंभू वरुण की कार लेकर तीन काशी गया। उसने एक वेजिटेरियन होटल में खाने का पार्सल लिया, एक मोबाइल फोन लेकर उसमें वरुण का सिम कार्ड डाल दिया, उसे एक नेशनल परमिट गाड़ी में छिपा दिया। उसके बाद उस कार को तालाब में डुबो दिया, फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर जहां उसे कोई ना देख सके उस जगह बैठकर चार बिरयानी का बिल तैयार किया। उसके बाद तीनकाशी के थिएटर में जाकर मैटनी शो का टिकट खरीदा। गवर्नमेंट बस पकड़कर चार टिकट लेकर वो पापनाशम आया। कल सत्संग जा रहा हूँ ऐसा कहकर अपने असिस्टेंट को उसने याद दिलाया। अगले दिन 4 तारीख को अपने फ्रेंड की बस में पूरे परिवार के साथ तीनकाशी सत्संग में चला गया। 9 बजे वो लोग मंदिर गए, शाम तक वो लोग वहां पर रहे। तभी उसे स्वामी जी की सीडी के बारे में पता चला, उसे किसी और के नाम पर बुक किया होगा। फिर लॉज में अपने परिवार के साथ आया, किसी तरह मैनेजर को बेवकूफ बनाकर 2 तारीख की लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया। 4 तारीख को अपनी हैंडराइटिंग को बदलकर किसी और के नाम से रूम ले लिया होगा। रात को किसी और दुकान में खाना खाया होगा। अगले दिन स्वयंभू पहले जहां 3 तारीख को पार्सल लिया था उसी वेजिटेरियन होटल से पार्सल मंगवाया होगा। लॉज से चेकआउट करने के बाद बिल लिया और होटल से बिरयानी खाकर उस ओनर से फ्रेंडशिप कर ली। फिर थिएटर जाकर ऑपरेटर से मिला। शाम को वापस लौटने के बाद उसी गवर्नमेंट बस में बैठकर कंडक्टर के साथ बातचीत करके उससे पहचान बना ली। घर आने के बाद वरदानंदा स्वामी जी की सीडी को पूरे परिवार के साथ देखा। 5 तारीख का जितना भी बिल था उसे उठाकर फेंक दिया। उसके बदले 3 तारीख को अकेले जाकर जो बिल कलेक्ट किए थे वो हमें दिखाया। और हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले उन्हीं लोगों से मिलकर 2 तारीख को सत्संग गए थे, ये तारीख बताकर सबके दिमाग में वही बात डाल दी। और उन सारे लोगों ने उसकी बातों में आकर हमें झूठी गवाही दे दी। अभी हमारे पास एक छोटा सा एविडेंस भी नहीं है, अगर कुछ है तो बस ये थियरी है। गीता, अगर तुम्हारी बात सच है तो वरुण कहाँ है? वो उनसे मिलने क्यों गया था? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, उसका परिवार ही बता सकता है। मिसेस सुरेश। यस मैडम। पुलिस फोर्स को पागल बनाया है उसने, अभी उससे शराफत से पेश आने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? सुनिए। चलो चलो। पापा। पापा। अरे मैडम। अरे मैडम। ये क्या हो रहा है? सर पुलों को नहीं किया सर। सुनिए, वो हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाइए ना, किसी तरह भी उन्हें छुड़ा कर ले आइए। जाइए। याद रखना, वापस अगर हम लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई ना तो मैंने जो बोला उस टीवी चैनल वालों को लेकर आना। जा बेटा जल्दी कुछ कर। वो जा रहा है। हे भगवान। मेरा बेटा कहाँ है? कसम से मुझे नहीं पता, हम कितनी बार बोल चुके हैं। एए, अपने आपको क्या समझता है? जो भी कहानी बताएगा उस पर हम यकीन कर लेंगे, इतना बेवकूफ समझ रखा है हमें। सत्संग के नाम पर जो तू सबको बताकर ट्रिप पर गया वो प्लान मुझे समझ में आ गया है। अभी मुझे बस इतना बताओ कि मेरा बेटा तुम लोगों से मिलने क्यों आया था? उसका तेरे साथ क्या संबंध था? कैंप के बाद मैंने उसे नहीं देखा मैम। hey, इधर देख, बस इतना ही? सब कुछ खत्म हो गया, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, सच बोलने में ही तेरी भलाई है, वरना सच कैसे बुलवाना है मुझे पता है। सच कह रही हूँ मैम, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा कहाँ है? नहीं बताओगी तो खाल उधेड़ दूंगी। देखिए, मैं भगवान की कसम खाकर आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। परिमल। यस मैडम। नहीं नहीं। साथ? छोड़ दीजिए। साथ? साथ?
साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मत मारियो ने। छोड़ दीजिए, छोड़िए। कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हें पता है, जब तक बोलोगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेहरबानी करके उन्हें छोड़ दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, सच में। हमें छोड़ दीजिए। स्टॉप दिस। हमें छोड़ दीजिए। रुक जाओ। इना। कम विद मी। यस मैडम। तो आई जी मैडम ने मना किया है ना, तू जाए यहाँ से। अरे सर ये जाना। स्वयंभू ये क्या है, ये अच्छा नहीं हो रहा। मेरी बात मानो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो ना। साहब मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता है। आखिर समस्या क्या है आप लोगों की, क्यों मार खाने पर तुले हुए हो? अगर कुछ पता है तो बता दो, ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। तुम इस लड़की को जानते हो? मुझे नहीं पता मैडम। देखो आलोक, तुम और वरुण एक साथ कैंप पे गए थे ये हम जानते हैं। पिछले 24 दिनों से वरुण लापता है, पुलिस ढूंढ रही है। वरुण के लापता होने और इस लड़की के बीच में कोई तो संबंध है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पता है बता दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे कुछ नहीं पता है सर। कम ऑन एलेक्स, तुम्हें पता है वरुण जिस दिन लापता हुआ था आखिरी कॉल तुम्हारा ही था उसके मोबाइल पर। पहले जब तुमसे पूछा कि वो कहाँ है तब तुमने कहा था तुम नहीं जानते, जो झूठ था। अगर तुमने वही झूठ फिर से दोहराया तो यू विल पे फॉर इट। आंटी कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उस दिन वहाँ बुलाया था लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं बताया उसने। ठीक है, इस लड़की के बारे में बताओ। मुझे नहीं पता आंटी। ए, सच बता। नहीं सुरेश, लास्ट कॉल इसी का था, यही एक एविडेंस है हमारे पास। यस मैडम। ये भी गुनहगार है, इसके नाम पर केस रजिस्टर करो। यस मैडम। नहीं बताता मैडम, बताता मैं। नो ब्रो, ये मुझसे मत मांग। क्या यार, प्लीज ना। आई एम सॉरी ब्रो, इसे नहीं दे सकता यार। इसके जरिए जरूरी काम करना है, काम के बाद तुझे दे दूंगा मैं। तू अब जा। मैडम बाहर भीड़ जमा हो गई है, उन्हें कैसे पता चला मालूम नहीं। कैमरा वगैरह लगाकर टीवी में लाइव दिखा रहे हैं मैडम। सबको जाने के लिए कहो। पर वो प्रेस वाले हैं मैडम, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती इस वक्त, एक भी आदमी इस कंपाउंड में नहीं घुसना चाहिए। एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी है तो बुलाओ, जाओ। चल। गीता, हालात हाथों से फिसलते जा रहे हैं। यस, मैं समझ सकती हूँ। सब लोग बाहर जाओ, परिमल सिर्फ तुम रुको। वीडियो का मामला है मुझे पता है, अभी कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। बताओ मेरा बेटा कहाँ है? अब हम कुछ भी नहीं छिपा रहे,
अगर कुछ पता होगा तो बताएंगे ना। परिमल, इनके मुंह से सच उगलवाओ। यस मैडम। हे, क्या रे? तुझे दर्द होता है ना? होता है ना दर्द? अगर और मारेंगे तो मर जाएंगे वो लोग। अगर तू चाहती है कि ऐसा ना हो तो सारी सच्चाई बता दे मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा उन्हें। बोल, सच सच बोल, बोल। परिमल, देखिए अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज बता दीजिए। संभल कर। पापा, मीना कहाँ है? मीना, मीना, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, बोला ना बाहर जाओ, चलो चल जाओ, चल जाओ। एक बार समझ में नहीं आता। ये भैया आपके घर पे क्यों आए थे? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पापा के पास लेकर चलो। रोना बंद कर और सच बता। मेरे गुस्से को और मत भड़का, जान से मार दूंगा तुझे। नहीं पापा, नहीं, हम सारा सच बता देते, मैं जेल चल जाती हूँ। इसके लिए हम लोगों ने इतनी मार खाई क्या? सुनिए, क्या वो इंसान नहीं जानवर है? पता नहीं अपनी बच्ची मीना के साथ क्यों करेगा। चुप मुझे रहो। तुम में से कोई जेल नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, और मैं अपना वादा निभाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर नहीं निभा पाया तो मर जाऊंगा, और अगर तुम में से कोई भी टूटा तो समझ लो कि तुमने मुझे मार लेकिन दिया। लेकिन हमारी बच्ची मीना। अरे हमारी बेटी मीना बहुत समझदार है, तुम क्या समझती हो उसे? उसने बहुत प्रैक्टिस की है। चुपचाप बोल दे, वरना तेरे बाप की गर्दन काट दूंगा। बोल। पता नहीं अंकल, मुझे पापा के पास जाना है। गीता, गीता, स्टॉप दिस क्रुएलिटी। रुक दो, ये कानून के खिलाफ है, ये गलत तरीका है। और हमारा बेटा, उसके बारे में नहीं जानना।
पूछताछ के लिए और भी हजार तरीके हैं, तुम ये सब कर रही हो? ओह गॉड, ये तुम्हारा तरीका है? ये सारा पाप किसके सर आएगा? कितने जुल्म ढाए तुमने, कोई सबूत मिला क्या? शायद यही आदमी गलत कह रहा हो। तुझे तो मैं परिवार नो मैं बताती हूँ, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। पापा ए किधर? मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो? उस लड़के को कहाँ दफनाया है? तेरी बच्ची दिखाने वाली है मैं। ए, तेरा खेल खत्म हो गया, पूरा परिवार जेल में सड़ेगा, भगवान भी आ गया तो तुझे बचा नहीं पाएगा। ए, इसे गाड़ी में बैठा। अरे सर, क्या हो रहा है? ये सब बहुत अच्छा इंसान है, आप हमारी बात सुनिए, मेरा मतलब सुनिए हमारी बात। अरे आप लोग, अरे अरे चिल्ला क्यों रहे हो सब लोग? मैं बात करता हूँ ना, हैं? मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ ना। सर ये हमें अंदर जाकर देखने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए साहब, आपका बहुत भला होगा, हमें अंदर जाने दीजिए, वो मेरा दामाद है। जो भी आप अंदर नहीं जा सकते, गुनेगार से कोई नहीं मिल सकता, ये ऑर्डर है। कौन है गुनेगार? कौन है रे गुनेगार? क्या गुनाह किया उन्होंने? मैं बताता हूँ सर, ये पुलिस की साजिश है सर, वो अपना गुस्सा इन पर उतार रहे हैं। क्या परेशानी है सर? कल जितनी जरूरत थी इन लोगों ने इनसे पूछताछ कर लिया है। इनसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? किसी आईजी का बेटा लापता हो गया, इसलिए उनको ले जाके पूछताछ किया। मैं बताता हूँ बेटी, इस पूरे गांव को पता है ये झूठा केस है। इस स्वयंभू को मैं 30 साल से जानता हूँ, किसी से उसने झगड़ा तक नहीं किया। एकदम डिसेंट है, कोई भी गलती करने वाला परिवार नहीं है बेटी, मेहनत करके कमाने वाला परिवार है। ये सब पुलिस वालों की अपनी दुश्मनी है। कौन है वो पुलिस? वो उधर खड़ा है ना, ASI के बगल में, वो कमीना परिमल है। वो एक बदमाश इंसान है, ये पूरे गांव को पता है। स्वयंभू ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो पुरानी दुश्मनी निकाल कर मौके का फायदा उठाकर उसे फंसा रहा है। तुम लोग चुपचाप क्या देख रहे हो? पुलिस जो चाहेगी वो कर सकती है क्या? कितना अन्याय सहोगे सब? सही कह रहे हैं। चलो चलो, क्या कर रहे हो? हमें अंदर जाना है। अरे ये सब हो क्या रहा है? अरे अरे देख लो, मेरी लाडली बेटी को बहुत मारा क्या? सॉरी पापा, मैंने डर के मारे सब बता दिया। पापा के ऊपर बहुत गुस्सा है बेटी। नहीं पापा, मैंने बता दिया इसलिए अब नहीं बेटी, गुस्से में है क्या पापा? तुमने जो किया वो सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी।
परिमल ने कैसे मारा? परिमल गलती नहीं की, उसके बाद भी वो हमें मार रहे हैं। अब आप लोग ही हमें न्याय दिलाए। साथ में मारो, सार मारो क्या इसे? मैडम चलो छोड़ो, मत इसे, निकलते हैं। चलो 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 क्या पुलिस ने तुम्हें मारा? मीना बेटी डरो मत, जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया बता दो, बता दो, बता दो क्या हुआ था सब बता दो। डरो मत बेटी, बता दो। आईजी गीता प्रभाकर जी का बेटा अरुण प्रभाकर हत्या के मामले में तहकीकात की गई है। पापनाशम गांव के निवासी स्वयंभू और उनके परिवार को बेगुनाह घोषित किया गया है। पापनाशम पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल परिमल ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। बाकी के पुलिस और एसआई सुरेश जी की ट्रांसफर कर दी गई है। आईजी गीता प्रभाकर जी को छुट्टी पे जाने के लिए डीजी ने सलाह दी है। आज के बाद स्वयंभू और उनके परिवार की अदालत की मंजूरी के बिना कोई पूछताछ नहीं करेगा। तिरुनेवल की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। सुनिए, पेपर देखा आपने? क्या है? आईजी गीता प्रभाकर ने इस्तीफा दे दिया है। बेचारी, इसमें इसकी क्या गलती थी? बच्चे को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। वो भले ही आईजी है लेकिन वो एक माँ भी तो है। हम लोगों की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। देखो रानी, तुम इस तरह से सोच रही हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन ऐसे सोच के देखो, उस लड़के ने जो काम किया था उससे हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाती तो यही गीता प्रभाकर हमारे बारे में ऐसा सोचती क्या? अपने बेटे को बचाने के बारे में सोचती? सभी इंसान अंदर से खुदगर्ज होता है, सबके लिए अपनी जिंदगी मायने रखती है। लेकिन जिन बच्चों को मैं सच्चाई का पाठ पढ़ाकर बड़ा कर रहा था, उन्हीं को झूठ बोलना सिखा दिया। बस मेरे मन में यही बात खटक रही है। अब हमें आज के बाद यह सब नहीं सोचना है। इन बातों को अपने मन से कैसे मिटाना है, बस इसके बारे में सोचना है। सुनिए, आपने उस लड़के की लाश को कब बदला? जब मैं गाड़ी तालाब में धकेल रहा था तभी। कहाँ? मरकर जब मेरी लाश चलेगी तब वो सच भी मेरे साथ चल जाएगा। वो कहाँ है जब तक तुम लोगों को पता नहीं है तब तक तुम लोग सुरक्षित हो। समझ में आया? पापा, पुलिस आई है। क्या सर? हम स्वयंभू से मिलने आए हैं। वापस फिर से ले जाकर मारना चाहते हो क्या? कोर्ट से साफ ऑर्डर है, आपकी वर्दी उतर जाएगी। क्या बात? भाई ये आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, आप लोग जाइए, मैं शर्ट बदल कर आता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। अभी जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो कोई आईजी नहीं है, एक साधारण औरत है। अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर रोने वाली एक मां है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसे बच्चा नहीं होगा। उसके बाद वरुण आया, इसीलिए हम लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया। हमने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी, ये बात हमें अंदर से ही कचोट रही है।
जब हमने शांति से बैठकर सोचा तो हमारी समझ में एक बात आई, हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ हो उसके जिम्मेदार हम ही हैं, उसकी गलत परवरिश का ही ये नतीजा है। ये बात जब से हमारी समझ में आई है तभी से हम आपसे मिलना चाह रहे थे, पर आज मिल पाए। जाने अनजाने में हमने आपके परिवार को बहुत तकलीफ दी है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, अमेरिका में इसकी सिस्टर्स रहती हैं, हमने वहां रहने का फैसला कर लिया है, पर जाने से पहले हम एक बात जानना चाहते हैं, ये जाने बिना हम इस गांव को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। हमारा वरुण कहां गया, वो है भी या पता तो चले कि जिंदा है, या उसका इंतजार करने के लिए कोई छोटी सी उम्मीद बची है क्या? अभी हाल यह है कि जब भी घर की कॉल बेल बजती है तो हम दोनों दरवाजे पर भागते हैं, जब कभी भी मोबाइल बजता है तो हमारा दिल धड़कता है, किसी लड़के की आवाज सुनते हैं तो उसकी आवाज लगती है, उस वक्त जो उम्मीद जगती है फिर उसके बाद जो निराशा होती है, इन सारी स्थितियों से हमारी जिंदगी नरक हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे, इसीलिए हम यहां से जा रहे हैं। बोलो ना, बिंदास्त कह सकते हो, हम लोग उसका इंतजार करें या ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा यकीन नहीं किया, यकीन ना करना भी सही है, समझ सकता हूं। आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, माफ कर देना हमें। सॉरी सर, एक मिनट सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़ा दिल है आपका, मैं ऐसा नहीं हूं साहब, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मतलबी हूं, बहुत मतलबी साहब, मैं आपके जैसा नहीं हूं, मेरे लिए बीवी बच्चे परिवार बस यही मेरी दुनिया, इससे बाहर क्या होता है साहब ये मैं नहीं जानता हूं, और उससे ज्यादा मैं सपने भी नहीं देखता हूं, मेरी उस छोटी सी दुनिया में एक अनजान मेहमान आ गया, हमने तिनका तिनका करके जो छोटा सा घोंसला बनाया था उसने उसे बिखेरने की कोशिश किया, हमने उसके सामने हाथ पर जोड़ा, बहुत गिड़गिड़ाए साहब, लेकिन वो समझने का दम ही नहीं ले रहा था साहब, छोटी उम्र थी ना उनकी, जानबूझकर जानबूझकर नहीं किया उसने, उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया, मैंने कितनी बार सोचा कि आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांग लूं, हजार बार सोचा, लेकिन मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाया, छोटा इंसान हूं ना साहब, मेरी सोच यही है कि मेरी बीवी बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब उनकी हिफाजत के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बस मैं यही सोचने लगा, ये पाप नाशम
कुछ लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं यहां नहाकर अपने पाप को धोने के लिए। मैं तो इसी गांव का हूं, हर रोज नहाकर थोड़ा थोड़ा अपना पाप कम कर लूंगा। साहब बुला रहे तुम्हें। सर मैं क्वार्टर में अपना सामान रखकर आता हूं। सर ये आपसे मिलने आया है। साहब पता है इस पूरे राज्य में इन्हें कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े टीवी स्टार हैं ये। दस्तखत करेगा या अंगूठा छाप है? लिखना आता है। पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया, इसका घमंड है क्या तुझे? उस लड़के की बॉडी जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक घर का खाना खा ले। एक बात ध्यान में रख, अगले 3 साल तक मैं यहीं रहने वाला हूँ, एक ना एक दिन सूंघ के जरूर निकालूंगा। साहब पुलिस वालों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जनता के लिए पुलिस अभी भी उनकी रक्षक है, अभी मुझे विश्वास है साहब आप और ये पुलिस स्टेशन मेरा साथ देगा, इस बात की मुझे उम्मीद है साहब, गलत मत समझिएगा। चलता हूं। काम सोमवार से शुरू होने वाला है, उसके खत्म होते ही से कर दूंगा।